नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे YouTube वीडियो की और एक नई रिव्यू में। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम जिस मूवी की रिव्यू करने वाले हैं उसका नाम है पद्मावत। जी हाँ, इस फिल्म में आपको बताएंगे कौन कौन से लीड रोल में एक्टर्स दिखेंगे, कौन कौन से हीरोइन जिसमें काम की है, इसकी कहानी क्या है, पद्मावत फिल्म को कब YouTube पर रिलीज़ किया जाएगा इसके बारे में आपको अपडेट भी देंगे, और YouTube पर आप पद्मावती को हिंदी भाषा में किस तारीख से देख सकते हैं ये भी आपको बताएंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो को पूरा देखिएगा। इसके कास्ट के बारे में, प्रोडक्शन के बारे में, और इसमें कितनी कमाई हुई थी इसके बारे में, इसकी लागत कितनी हुई थी बनाने में फिल्म को, इसके बारे में हम इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। तो अगर आप भी पद्मावत फिल्म को देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपको सारी अपडेट मिल सके। तो दोस्तों, पद्मावत एक भारतीय ऐतिहासिक फिल्म है जिसका निर्देशन जो है वो संजय लीला भंसाली ने किया है, और इसका निर्माण जो है वो भंसाली प्रोडक्शन और वॉयकॉम 18 मोशन पिक्चर्स ने किया है। फिल्म में आपको मुख्य भूमिका में लीड रोल में आपको दीपिका पादुकोण, शाहिद कपूर और रणवीर सिंह दिखेंगे। पहले यह फिल्म 1 दिसंबर 2017 को सिनेमाघरों में प्रदर्शित होने वाली थी, परंतु फिर कुछ लोगों के विरोध और सुप्रीम कोर्ट में चली कानूनी कार्रवाइयों के बाद यह फिल्म 24 जनवरी 2018 को रिलीज हुई। इसमें आपको बता दें कि इसका निर्देशक जो है वो संजय लीला भंसाली हैं, इसके निर्माता जो हैं वो वॉयकॉम 18 मोशन पिक्चर्स हैं, और भंसाली प्रोडक्शन के द्वारा इसे निर्मित किया गया है। इसी के साथ इसके लेखक जो हैं वो आपको दिखेंगे राइटर संजय लीला भंसाली, प्रकाश कपाड़िया। पटकथा जो लिखी गई है वो संजय लीला भंसाली के द्वारा, और इसमें लीड रोल में आपको अभिनेता दिखेंगे दीपिका पादुकोण, शाहिद कपूर और रणवीर कपूर। और इसी के साथ मैं आपको बता दूं कि इसमें आपको कई सारी अच्छी चीज़ों को देखने को मिलेगा। इस फिल्म को आपको 25 जनवरी 2018 को सभी सिनेमाघरों में रिलीज कर दी गई थी, और इसकी जो है वो दो भाषाओं में इसे रिलीज़ की गई थी, पहले हिंदी और दूसरी राजस्थानी। इस फिल्म की टोटल लागत जो थी वह 215 करोड़ रुपये का था। इस फिल्म को बनाने में 215 करोड़ रुपये खर्च किए गए थे, अकॉर्डिंग टू विकीपीडिया। और वही कुल कारोबार इस फिल्म का ऑल ओवर वर्ल्ड वाइड जो कलेक्शन था वो 585 करोड़ रुपये के हुई थी। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। और आप अगर पद्मावती को देखना चाहते हैं नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे YouTube वीडियो की और एक नई रिव्यू में। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम जिस मूवी की रिव्यू करने वाले हैं उसका नाम है पद्मावत। जी हाँ, इस फिल्म में आपको बताएंगे कौन कौन से लीड रोल में एक्टर्स दिखेंगे, कौन कौन से हीरोइन जिसमें काम की है, इसकी कहानी क्या है, पद्मावत फिल्म को कब YouTube पर रिलीज़ किया जाएगा इसके बारे में आपको अपडेट भी देंगे, और YouTube पर आप पद्मावती को हिंदी भाषा में किस तारीख से देख सकते हैं ये भी आपको बताएंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो को पूरा देखिएगा। इसके कास्ट के बारे में, प्रोडक्शन के बारे में, और इसमें कितनी कमाई हुई थी इसके बारे में, इसकी लागत कितनी हुई थी बनाने में फिल्म को, इसके बारे में हम इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। तो अगर आप भी पद्मावत फिल्म को देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपको सारी अपडेट मिल सके। तो दोस्तों, पद्मावत एक भारतीय ऐतिहासिक फिल्म है जिसका निर्देशन जो है वो संजय लीला भंसाली ने किया है, और इसका निर्माण जो है वो भंसाली प्रोडक्शन और वॉयकॉम 18 मोशन पिक्चर्स ने किया है। फिल्म में आपको मुख्य भूमिका में लीड रोल में आपको दीपिका पादुकोण, शाहिद कपूर और रणवीर सिंह दिखेंगे। पहले यह फिल्म 1 दिसंबर 2017 को सिनेमाघरों में प्रदर्शित होने वाली थी, परंतु फिर कुछ लोगों के विरोध और सुप्रीम कोर्ट में चली कानूनी कार्रवाइयों के बाद यह फिल्म 24 जनवरी 2018 को रिलीज हुई। इसमें आपको बता दें कि इसका निर्देशक जो है वो संजय लीला भंसाली हैं, इसके निर्माता जो हैं वो वॉयकॉम 18 मोशन पिक्चर्स हैं, और भंसाली प्रोडक्शन के द्वारा इसे निर्मित किया गया है। इसी के साथ इसके लेखक जो हैं वो आपको दिखेंगे राइटर संजय लीला भंसाली, प्रकाश कपाड़िया। पटकथा जो लिखी गई है वो संजय लीला भंसाली के द्वारा, और इसमें लीड रोल में आपको अभिनेता दिखेंगे दीपिका पादुकोण, शाहिद कपूर और रणवीर कपूर। और इसी के साथ मैं आपको बता दूं कि इसमें आपको कई सारी अच्छी चीज़ों को देखने को मिलेगा। इस फिल्म को आपको 25 जनवरी 2018 को सभी सिनेमाघरों में रिलीज कर दी गई थी, और इसकी जो है वो दो भाषाओं में इसे रिलीज़ की गई थी, पहले हिंदी और दूसरी राजस्थानी। इस फिल्म की टोटल लागत जो थी वह 215 करोड़ रुपये का था। इस फिल्म को बनाने में 215 करोड़ रुपये खर्च किए गए थे, अकॉर्डिंग टू विकीपीडिया। और वही कुल कारोबार इस फिल्म का ऑल ओवर वर्ल्ड वाइड जो कनेक्शन था
कलेक्शन था वो 585 करोड़ रुपए के हुई थी। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। और आप अगर पद्मावती को देखना चाहते हैं नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे YouTube वीडियो की और एक नई रिव्यू में। तो दोस्तों इस वीडियो में हम जिस मूवी की रिव्यू करने वाले हैं उसका नाम है पद्मावत। जी हाँ, इस फिल्म में आपको बताएंगे कौन कौन से लीड रोल में एक्टर्स दिखेंगे, कौन कौन से हीरोइन जिस पे काम की है, इसकी कहानी क्या है, पद्मावत फिल्म को कब YouTube पर रिलीज़ किया जाएगा इसके बारे में आपको अपडेट भी देंगे, और YouTube पर आप पद्मावती को हिंदी भाषा में किस तारीख से देख सकते हैं ये भी आपको बताएंगे। तो दोस्तों इस वीडियो को पूरा देखिएगा। इसके कास्ट के बारे में, प्रोडक्शन के बारे में, और इसमें कितनी कमाई हुई थी इसके बारे में, इसकी लागत कितनी हुई थी बनाने में फिल्म को, इसके बारे में हम इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। तो अगर आप भी पद्मावत फिल्म को देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपको सारी अपडेट मिल सके। तो दोस्तों पद्मावत एक भारतीय ऐतिहासिक फिल्म है जिसका निर्देशन जो है वो संजय लीला भंसाली ने किया है, और इसका निर्माण जो है वो भंसाली प्रोडक्शन और वॉयकॉम 18 मोशन पिक्चर्स ने किया है। फिल्म में आपको मुख्य भूमिका में लीड रोल में आपको दीपिका पादुकोण, शाहिद कपूर और रणवीर सिंह दिखेंगे। पहले यह फिल्म 1 दिसंबर 2017 को सिनेमाघरों में प्रदर्शित होने वाली थी, परंतु फिर कुछ लोगों के विरोध और सुप्रीम कोर्ट में चली कानूनी कार्रवाइयों के बाद यह फिल्म 24 जनवरी 2018 को रिलीज हुई। इसमें आपको बता दें कि इसका निर्देशक जो है वो संजय लीला भंसाली हैं, इसके निर्माता जो हैं वो वॉयकॉम 18 मोशन पिक्चर्स हैं, और भंसाली प्रोडक्शन के द्वारा इसे निर्मित किया गया है। इसी के साथ इसका लेखक जो हैं वो आपको दिखेंगे राइटर संजय लीला भंसाली, प्रकाश कपाड़िया। पटकथा जो लिखी गई है वो संजय लीला भंसाली के द्वारा, और इसमें लीड रोल में आपको अभिनेता दिखेंगे दीपिका पादुकोण, शाहिद कपूर और रणवीर कपूर। और इसी के साथ मैं आपको बता दूं कि इसमें आपको कई सारी अच्छी चीज़ों को देखने को मिलेगा। इस फिल्म को आपको 25 जनवरी 2018 को सभी सिनेमाघरों में रिलीज कर दी गई थी, और इसकी जो है वो दो भाषाओं में इसे रिलीज़ की गई थी, पहले हिंदी और दूसरी राजस्थानी। इस फिल्म की टोटल लागत थी वह 215 करोड़ रुपये का था। इस फिल्म को बनाने में 215 करोड़ रुपये खर्च किए गए थे अकॉर्डिंग टू विकीपीडिया, और वही कुल कारोबार इस फिल्म का ऑल ओवर वर्ल्ड वाइड जो कलेक्शन था वो 585 करोड़ रुपये के हुई थी। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। और आप अगर पद्मावती को देखना चाहते हैं नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे YouTube वीडियो की और एक नई रिव्यू में। तो दोस्तों इस वीडियो में हम जिस मूवी की रिव्यू करने वाले हैं उसका नाम है पद्मावत। जी हाँ, इस फिल्म में आपको बताएंगे कौन कौन से लीड रोल में एक्टर्स दिखेंगे, कौन कौन से हीरोइन जिसपे काम की है, इसकी कहानी क्या है, पद्मावत फिल्म को कब YouTube पर रिलीज़ किया जाएगा इसके बारे में आपको अपडेट भी देंगे, और YouTube पर आप पद्मावती को हिंदी भाषा में किस तारीख से देख सकते हैं ये भी आपको बताएंगे। तो दोस्तों इस वीडियो को पूरा देखिएगा। इसके कास्ट के बारे में, प्रोडक्शन के बारे में, और इसमें कितनी कमाई हुई थी इसके बारे में, इसकी लागत कितनी हुई थी बनाने में फिल्म को, इसके बारे में हम इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। तो अगर आप भी पद्मावत फिल्म को देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपको सारी अपडेट मिल सके। तो दोस्तों पद्मावत एक भारतीय ऐतिहासिक फिल्म है जिसका निर्देशन जो है वो संजय लीला भंसाली ने किया है, और इसका निर्माण जो है वो भंसाली प्रोडक्शन और वॉयकॉम 18 मोशन पिक्चर्स ने किया है। फिल्म में आपको मुख्य भूमिका में लीड रोल में आपको दीपिका पादुकोण, शाहिद कपूर और रणवीर सिंह दिखेंगे। पहले यह फिल्म 1 दिसंबर 2017 को सिनेमाघरों में प्रदर्शित होने वाली थी, परंतु फिर कुछ लोगों के विरोध और सुप्रीम कोर्ट में चली कानूनी कार्रवाइयों के बाद यह फिल्म 24 जनवरी 2018 को रिलीज हुई। इसमें आपको बता दें कि इसका निर्देशक जो है वो संजय लीला भंसाली हैं, इसके निर्माता जो हैं वो वॉयकॉम 18 मोशन पिक्चर्स हैं, और भंसाली प्रोडक्शन के द्वारा इसे निर्मित किया गया है। इसी के साथ इसका लेखक जो हैं वो आपको दिखेंगे राइटर संजय लीला भंसाली, प्रकाश कपाड़िया। पटकथा जो लिखी गई है वो संजय लीला भंसाली के द्वारा, और इसमें लीड रोल में आपको अभिनेता दिखेंगे दीपिका पादुकोण, शाहिद कपूर और रणवीर कपूर। और इसी के साथ मैं आपको बता दूं कि इसमें आपको कई सारी अच्छी चीज़ों को देखने को मिलेगा।
इस फिल्म को आपको 25 जनवरी 2028 2018 को सभी सिनेमाघरों में रिलीज कर दी गई थी, और इसके जो है वो दो भाषाओं में इसे रिलीज़ की गई थी, पहले हिंदी और दूसरी राजस्थानी। इस फिल्म की टोटल लागत जो थी वह 215 करोड़ रुपए का था। इस फिल्म को बनाने में 215 करोड़ रुपए खर्च किए गए थे अकॉर्डिंग टू विकीपीडिया, और वही कुल कारोबार इस फिल्म का ऑल ओवर वर्ल्ड वर्ल्ड वाइड जो कलेक्शन था वो 585 करोड़ रुपये के हुई थी। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। और आप अगर पद्मावती को देखना चाहते हैं नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे YouTube वीडियो की और एक नई रिव्यू में। तो दोस्तों इस वीडियो में हम जिस मूवी की रिव्यू करने वाले हैं उसका नाम है पद्मावत। जी हाँ, इस फिल्म में आपको बताएंगे कौन कौन से लीड रोल में एक्टर्स दिखेंगे, कौन कौन से हीरोइन जिसमें काम की है, इसकी कहानी क्या है, पद्मावत फिल्म को कब यूट्यूब पर रिलीज़ किया जाएगा इसके बारे में आपको अपडेट भी देंगे, और यूट्यूब पर आप पद्मावती को हिंदी भाषा में किस तारीख से देख सकते हैं ये भी आपको बताएंगे। तो दोस्तों इस वीडियो को पूरा देखिएगा, इसके कास्ट के बारे में, प्रोडक्शन के बारे में, और इसमें कितनी कमाई हुई थी इसके बारे में, इसकी लागत कितनी हुई थी बनाने में फिल्म को, इसके बारे में हम इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। तो अगर आप भी पद्मावत फिल्म को देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपको सारी अपडेट मिल सके। तो दोस्तों पद्मावत एक भारतीय ऐतिहासिक फिल्म है जिसका निर्देशन जो है वो संजय लीला भंसाली ने किया है, और इसका निर्माण जो है वो भंसाली प्रोडक्शन और वॉयकॉम 18 मोशन पिक्चर्स ने किया है। फिल्म में आपको मुख्य भूमिका में लीड रोल में आपको दीपिका पादुकोण, शाहिद कपूर और रणवीर सिंह दिखेंगे। पहले यह फिल्म 1 दिसंबर 2017 को सिनेमाघरों में प्रदर्शित होने वाली थी, परंतु फिर कुछ लोगों के विरोध और सुप्रीम कोर्ट में चली कानूनी कार्रवाइयों के बाद यह फिल्म 24 जनवरी 2018 को रिलीज हुई। इसमें आपको बता दें कि इसका निर्देशक जो है वो संजय लीला भंसाली हैं, इसके निर्माता जो हैं वो वॉयकॉम 18 मोशन पिक्चर्स हैं, और भंसाली प्रोडक्शन के द्वारा इसे निर्मित किया गया है। इसी के साथ इसके लेखक जो हैं वो आपको दिखेंगे राइटर संजय लीला भंसाली, प्रकाश कपाड़िया, पटकथा जो लिखी गई है वो संजय लीला भंसाली के द्वारा, और इसमें लीड रोल में आपको अभिनेता दिखेंगे दीपिका पादुकोण, शाहिद कपूर और रणवीर कपूर। और इसी के साथ मैं आपको बता दूं कि इसमें आपको कई सारी अच्छी चीज़ों को देखने को मिलेगा। इस फिल्म को आपको 25 जनवरी 2018 को सभी सिनेमाघरों में रिलीज कर दी गई थी, और इसकी जो है वो दो भाषाओं में इसे रिलीज़ की गई थी, पहले हिंदी और दूसरी राजस्थानी। इस फिल्म की टोटल लागत जो थी वह 215 करोड़ रुपए का था। इस फिल्म को बनाने में 215 करोड़ रुपए खर्च किए गए थे अकॉर्डिंग टू विकीपीडिया, और वही कुल कारोबार इस फिल्म का ऑल ओवर वर्ल्ड वाइड जो कलेक्शन था वो 585 करोड़ रुपये के हुई थी। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। और आप अगर पद्मावती को देखना चाहते हैं नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे YouTube वीडियो की और एक नई रिव्यू में। तो दोस्तों इस वीडियो में हम जिस मूवी की रिव्यू करने वाले हैं उसका नाम है पद्मावत। जी हाँ, इस फिल्म में आपको बताएंगे कौन कौन से लीड रोल में एक्टर्स दिखेंगे, कौन कौन से हीरोइन जिसमें काम की है, इसकी कहानी क्या है, पद्मावत फिल्म को कब यूट्यूब पर रिलीज़ किया जाएगा इसके बारे में आपको अपडेट भी देंगे, और यूट्यूब पर आप पद्मावती को हिंदी भाषा में किस तारीख से देख सकते हैं ये भी आपको बताएंगे। तो दोस्तों इस वीडियो को पूरा देखिएगा, इसके कास्ट के बारे में, प्रोडक्शन के बारे में, और इसमें कितनी कमाई हुई थी इसके बारे में, इसकी लागत कितनी हुई थी बनाने में फिल्म को, इसके बारे में हम इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। तो अगर आप भी पद्मावत फिल्म को देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपको सारी अपडेट मिल सके। तो दोस्तों पद्मावत एक भारतीय ऐतिहासिक फिल्म है जिसका निर्देशन जो है वो संजय लीला भंसाली ने किया है, और इसका निर्माण जो है वो भंसाली प्रोडक्शन और वॉयकॉम 18 मोशन पिक्चर्स ने किया है। फिल्म में आपको मुख्य भूमिका में लीड रोल में आपको दीपिका पादुकोण, शाहिद कपूर और रणवीर सिंह दिखेंगे। पहले यह फिल्म 1 दिसंबर 2017 को सिनेमाघरों में प्रदर्शित होने वाली थी, परंतु फिर कुछ लोगों के विरोध और सुप्रीम कोर्ट में चली कानूनी कार्रवाइयों के बाद यह फिल्म 24 जनवरी 2018 को रिलीज हुई। इसमें आपको बता दें कि इसका निर्देशक जो है वो संजय लीला भंसाली हैं,
इसके निर्माता जो हैं वो वॉयकॉम 18 मोशन पिक्चर्स हैं और भंसाली प्रोडक्शन के द्वारा इसे निर्मित किया गया है। इसी के साथ इसके लेखक जो हैं वो आपको दिखेंगे राइटर संजय लीला भंसाली, प्रकाश कपाड़िया। पटकथा जो लिखी गई है वो संजय लीला भंसाली के द्वारा, और इसमें लीड रोल में आपको अभिनेता दिखेंगे दीपिका पादुकोण, शाहिद कपूर और रणवीर कपूर। और इसी के साथ मैं आपको बता दूं कि इसमें आपको कई सारी अच्छी चीज़ों को देखने को मिलेगा। इस फिल्म को आपको 25 जनवरी 2018 को सभी सिनेमाघरों में रिलीज कर दी गई थी, और इसकी जो है वो दो भाषाओं में इसे रिलीज़ की गई थी, पहले हिंदी और दूसरी राजस्थानी। इस फिल्म की टोटल लागत जो थी वह 215 करोड़ रुपए का था। इस फिल्म को बनाने में 215 करोड़ रुपए खर्च किए गए थे अकॉर्डिंग टू विकीपीडिया, और वही कुल कारोबार इस फिल्म का ऑल ओवर वर्ल्ड वर्ल्ड वाइड जो कलेक्शन था वो 585 करोड़ रुपए के हुई थी। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। और आप अगर पद्मावती को देखना चाहते हैं नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे YouTube वीडियो की और एक नई रिव्यू में। तो दोस्तों इस वीडियो में हम जिस मूवी की रिव्यू करने वाले हैं उसका नाम है पद्मावत। जी हाँ, इस फिल्म में आपको बताएंगे कौन कौन से लीड रोल में एक्टर्स दिखेंगे, कौन कौन से हीरोइन जिसमें काम की है, इसकी कहानी क्या है, पद्मावत फिल्म को कब YouTube पर रिलीज़ किया जाएगा इसके बारे में आपको अपडेट भी देंगे, और YouTube पर आप पद्मावती को हिंदी भाषा में किस तारीख से देख सकते हैं ये भी आपको बताएंगे। तो दोस्तों इस वीडियो को पूरा देखिएगा। इसके कास्ट के बारे में, प्रोडक्शन के बारे में, और इसमें कितनी कमाई हुई थी इसके बारे में, इसकी लागत कितनी हुई थी बनाने में फिल्म को, इसके बारे में हम इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। तो अगर आप भी पद्मावत फिल्म को देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपको सारी अपडेट मिल सके। तो दोस्तों पद्मावत एक भारतीय ऐतिहासिक फिल्म है जिसका निर्देशन जो है वो संजय लीला भंसाली ने किया है, और इसका निर्माण जो है वो भंसाली प्रोडक्शन और वॉयकॉम 18 मोशन पिक्चर्स ने किया है। फिल्म में आपको मुख्य भूमिका में लीड रोल में आपको दीपिका पादुकोण, शाहिद कपूर और रणवीर सिंह दिखेंगे। पहले यह फिल्म 1 दिसंबर 2017 को सिनेमाघरों में प्रदर्शित होने वाली थी, परंतु फिर कुछ लोगों के विरोध और सुप्रीम कोर्ट में चली कानूनी कार्रवाइयों के बाद यह फिल्म 24 जनवरी 2018 को रिलीज हुई। इसमें आपको बता दें कि इसका निर्देशक जो है वो संजय लीला भंसाली हैं, इसके निर्माता जो हैं वो वॉयकॉम 18 मोशन पिक्चर्स हैं और भंसाली प्रोडक्शन के द्वारा इसे निर्मित किया गया है। इसी के साथ इसके लेखक जो हैं वो आपको दिखेंगे राइटर संजय लीला भंसाली, प्रकाश कपाड़िया। पटकथा जो लिखी गई है वो संजय लीला भंसाली के द्वारा, और इसमें लीड रोल में आपको अभिनेता दिखेंगे दीपिका पादुकोण, शाहिद कपूर और रणवीर कपूर। और इसी के साथ मैं आपको बता दूं कि इसमें आपको कई सारी अच्छी चीज़ों को देखने को मिलेगा। इस फिल्म को आपको 25 जनवरी 2018 को सभी सिनेमाघरों में रिलीज कर दी गई थी, और इसकी जो है वो दो भाषाओं में इसे रिलीज़ की गई थी, पहले हिंदी और दूसरी राजस्थानी। इस फिल्म की टोटल लागत जो थी वह 215 करोड़ रुपए का था। इस फिल्म को बनाने में 215 करोड़ रुपए खर्च किए गए थे अकॉर्डिंग टू विकीपीडिया, और वही कुल कारोबार इस फिल्म का ऑल ओवर वर्ल्ड वर्ल्ड वाइड जो कलेक्शन था वो 585 करोड़ रुपए के हुई थी। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। और आप अगर पद्मावती को देखना चाहते हैं नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे YouTube वीडियो की और एक नई रिव्यू में। तो दोस्तों इस वीडियो में हम जिस मूवी की रिव्यू करने वाले हैं उसका नाम है पद्मावत। जी हाँ, इस फिल्म में आपको बताएंगे कौन कौन से लीड रोल में एक्टर्स दिखेंगे, कौन कौन से हीरोइन जिसमें काम की है, इसकी कहानी क्या है, पद्मावत फिल्म को कब YouTube पर रिलीज़ किया जाएगा इसके बारे में आपको अपडेट भी देंगे, और YouTube पर आप पद्मावती को हिंदी भाषा में किस तारीख से देख सकते हैं ये भी आपको बताएंगे। तो दोस्तों इस वीडियो को पूरा देखिएगा। इसके कास्ट के बारे में, प्रोडक्शन के बारे में, और इसमें कितनी कमाई हुई थी इसके बारे में, इसकी लागत कितनी हुई थी बनाने में फिल्म को, इसके बारे में हम इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। तो अगर आप भी पद्मावत फिल्म को देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपको सारी अपडेट मिल सके। तो दोस्तों पद्मावत एक भारतीय ऐतिहासिक फिल्म है जिसका निर्देशन जो है वो संजय लीला भंसाली ने किया है, और इसका निर्माण जो है वो भंसाली प्रोडक्शन और वॉयकॉम 18 मोशन पिक्चर्स ने किया है।
फिल्म में आपको मुख्य भूमिका में लीड रोल में आपको दीपिका पादुकोण, शाहिद कपूर और रणवीर सिंह दिखेंगे। पहले यह फिल्म 1 दिसंबर 2017 को सिनेमाघरों में प्रदर्शित होने वाली थी, परंतु फिर कुछ लोगों के विरोध और सुप्रीम कोर्ट में चली कानूनी कार्रवाइयों के बाद यह फिल्म 24 जनवरी 2018 को रिलीज हुई। इसमें आपको बता दें कि इसका निर्देशक जो है वो संजय लीला भंसाली हैं, इसके निर्माता जो हैं वो वॉयकॉम 18 मोशन पिक्चर्स हैं और भंसाली प्रोडक्शन के द्वारा इसे निर्मित किया गया है। इसी के साथ इसका लेखक जो हैं वो आपको दिखेंगे राइटर संजय लीला भंसाली, प्रकाश कपाड़िया, पटकथा जो लिखी गई है वो संजय लीला भंसाली के द्वारा, और इसमें लीड रोल में आपको अभिनेता दिखेंगे दीपिका पादुकोण, शाहिद कपूर और रणवीर कपूर। और इसी के साथ मैं आपको बता दूं कि इसमें आपको कई सारी अच्छी चीज़ों को देखने को मिलेगा। इस फिल्म को आपको 25 जनवरी 2018 को सभी सिनेमाघरों में रिलीज कर दी गई थी, और इसकी जो है वो दो भाषाओं में इसे रिलीज़ की गई थी, पहले हिंदी और दूसरी राजस्थानी। इस फिल्म की टोटल लागत जो थी वह 215 करोड़ रुपए का था। इस फिल्म को बनाने में 215 करोड़ रुपए खर्च किए गए थे अकॉर्डिंग टू विकिपीडिया, और वही कुल कारोबार इस फिल्म का ऑल ओवर वर्ल्ड वर्ल्ड वाइड जो कलेक्शन था वो 585 करोड़ रुपए के हुई थी। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, और आप अगर पद्मावती को देखना चाहते हैं नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे YouTube वीडियो की और एक नई रिव्यू में। तो दोस्तों इस वीडियो में हम जिस मूवी की रिव्यू करने वाले हैं उसका नाम है पद्मावत। जी हाँ, इस फिल्म में आपको बताएंगे कौन कौन से लीड रोल में एक्टर्स दिखेंगे, कौन कौन से हीरोइन जिस पे काम की है, इसकी कहानी क्या है, पद्मावत फिल्म को कब YouTube पर रिलीज़ किया जाएगा इसके बारे में आपको अपडेट भी देंगे, और YouTube पर आप पद्मावती को हिंदी भाषा में किस तारीख से देख सकते हैं ये भी आपको बताएंगे। तो दोस्तों इस वीडियो को पूरा देखिएगा, इसके कास्ट के बारे में, प्रोडक्शन के बारे में, और इसमें कितनी कमाई हुई थी इसके बारे में, इसकी लागत कितनी हुई थी बनाने में फिल्म को, इसके बारे में हम इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। तो अगर आप भी पद्मावत फिल्म को देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपको सारी अपडेट मिल सके। तो दोस्तों पद्मावत एक भारतीय ऐतिहासिक फिल्म है जिसका निर्देशन जो है वो संजय लीला भंसाली ने किया है, और इसका निर्माण जो है वो भंसाली प्रोडक्शन और वॉयकॉम 18 मोशन पिक्चर्स ने किया है। फिल्म में आपको मुख्य भूमिका में लीड रोल में आपको दीपिका पादुकोण, शाहिद कपूर और रणवीर सिंह दिखेंगे। पहले यह फिल्म 1 दिसंबर 2017 को सिनेमाघरों में प्रदर्शित होने वाली थी, परंतु फिर कुछ लोगों के विरोध और सुप्रीम कोर्ट में चली कानूनी कार्रवाइयों के बाद यह फिल्म 24 जनवरी 2018 को रिलीज हुई। इसमें आपको बता दें कि इसका निर्देशक जो है वो संजय लीला भंसाली हैं, इसके निर्माता जो हैं वो वॉयकॉम 18 मोशन पिक्चर्स हैं और भंसाली प्रोडक्शन के द्वारा इसे निर्मित किया गया है। इसी के साथ इसका लेखक जो हैं वो आपको दिखेंगे राइटर संजय लीला भंसाली, प्रकाश कपाड़िया, पटकथा जो लिखी गई है वो संजय लीला भंसाली के द्वारा, और इसमें लीड रोल में आपको अभिनेता दिखेंगे दीपिका पादुकोण, शाहिद कपूर और रणवीर कपूर। और इसी के साथ मैं आपको बता दूं कि इसमें आपको कई सारी अच्छी चीज़ों को देखने को मिलेगा। इस फिल्म को आपको 25 जनवरी 2018 को सभी सिनेमाघरों में रिलीज कर दी गई थी, और इसकी जो है वो दो भाषाओं में इसे रिलीज़ की गई थी, पहले हिंदी और दूसरी राजस्थानी। इस फिल्म की टोटल लागत जो थी वह 215 करोड़ रुपए का था। इस फिल्म को बनाने में 215 करोड़ रुपए खर्च किए गए थे अकॉर्डिंग टू विकिपीडिया, और वही कुल कारोबार इस फिल्म का ऑल ओवर वर्ल्ड वर्ल्ड वाइड जो कलेक्शन था वो 585 करोड़ रुपए के हुई थी। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, और आप अगर पद्मावती को देखना चाहते हैं नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे YouTube वीडियो की और एक नई रिव्यू में। तो दोस्तों इस वीडियो में हम जिस मूवी की रिव्यू करने वाले हैं उसका नाम है पद्मावत। जी हाँ, इस फिल्म में आपको बताएंगे कौन कौन से लीड रोल में एक्टर्स दिखेंगे, कौन कौन से हीरोइन जिसपे काम की है, इसकी कहानी क्या है, पद्मावत फिल्म को कब YouTube पर रिलीज़ किया जाएगा इसके बारे में आपको अपडेट भी देंगे, और YouTube पर आप पद्मावती को हिंदी भाषा में
किस तारीख से देख सकते हैं ये भी आपको बताएंगे। तो दोस्तों इस वीडियो को पूरा देखिएगा, इसके कास्ट के बारे में, प्रोडक्शन के बारे में, और इसमें कितनी कमाई हुई थी इसके बारे में, इसकी लागत कितनी हुई थी बनाने में फिल्म को, इसके बारे में हम इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। तो अगर आप भी पद्मावत फिल्म को देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपको सारी अपडेट मिल सके। तो दोस्तों पद्मावत एक भारतीय ऐतिहासिक फिल्म है जिसका निर्देशन जो है वो संजय लीला भंसाली ने किया है, और इसका निर्माण जो है वो भंसाली प्रोडक्शन और वॉयकॉम 18 मोशन पिक्चर्स ने किया है। फिल्म में आपको मुख्य भूमिका में लीड रोल में आपको दीपिका पादुकोण, शाहिद कपूर और रणवीर सिंह दिखेंगे। पहले यह फिल्म 1 दिसंबर 2017 को सिनेमाघरों में प्रदर्शित होने वाली थी, परंतु फिर कुछ लोगों के विरोध और सुप्रीम कोर्ट में चली कानूनी कार्रवाइयों के बाद यह फिल्म 24 जनवरी 2018 को रिलीज हुई। इसमें आपको बता दें कि इसका निर्देशक जो है वो संजय लीला भंसाली हैं, इसके निर्माता जो हैं वो वॉयकॉम 18 मोशन पिक्चर्स हैं और भंसाली प्रोडक्शन के द्वारा इसे निर्मित किया गया है। इसी के साथ इसका लेखक जो हैं वो आपको दिखेंगे राइटर संजय लीला भंसाली, प्रकाश कपाड़िया, पटकथा जो लिखी गई है वो संजय लीला भंसाली के द्वारा, और इसमें लीड रोल में आपको अभिनेता दिखेंगे दीपिका पादुकोण, शाहिद कपूर और रणवीर कपूर। और इसी के साथ मैं आपको बता दूं कि इसमें आपको कई सारी अच्छी चीज़ों को देखने को मिलेगा। इस फिल्म को आपको 25 जनवरी 2018 को सभी सिनेमाघरों में रिलीज कर दी गई थी, और इसकी जो है वो दो भाषाओं में इसे रिलीज़ की गई थी, पहले हिंदी और दूसरी राजस्थानी। इस फिल्म की टोटल लागत जो थी वह 215 करोड़ रुपये का था। इस फिल्म को बनाने में 215 करोड़ रुपये खर्च किए गए थे अकॉर्डिंग टू विकीपीडिया, और वही कुल कारोबार इस फिल्म का ऑल ओवर वर्ल्ड वर्ल्ड वाइड जो कलेक्शन था वो 585 करोड़ रुपये के हुई थी। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। और आप अगर पद्मावती को देखना चाहते हैं नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे YouTube वीडियो की और एक नई रिव्यू में। तो दोस्तों इस वीडियो में हम जिस मूवी की रिव्यू करने वाले हैं उसका नाम है पद्मावत। जी हाँ, इस फिल्म में आपको बताएंगे कौन कौन से लीड रोल में एक्टर्स दिखेंगे, कौन कौन से हीरोइन जिसमें काम की है, इसकी कहानी क्या है, पद्मावत फिल्म को कब यूट्यूब पर रिलीज़ किया जाएगा इसके बारे में आपको अपडेट भी देंगे, और यूट्यूब पर आप पद्मावती को हिंदी भाषा में किस तारीख से देख सकते हैं ये भी आपको बताएंगे। तो दोस्तों इस वीडियो को पूरा देखिएगा, इसके कास्ट के बारे में, प्रोडक्शन के बारे में, और इसमें कितनी कमाई हुई थी इसके बारे में, इसकी लागत कितनी हुई थी बनाने में फिल्म को, इसके बारे में हम इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। तो अगर आप भी पद्मावत फिल्म को देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपको सारी अपडेट मिल सके। तो दोस्तों पद्मावत एक भारतीय ऐतिहासिक फिल्म है जिसका निर्देशन जो है वो संजय लीला भंसाली ने किया है, और इसका निर्माण जो है वो भंसाली प्रोडक्शन और वॉयकॉम 18 मोशन पिक्चर्स ने किया है। फिल्म में आपको मुख्य भूमिका में लीड रोल में आपको दीपिका पादुकोण, शाहिद कपूर और रणवीर सिंह दिखेंगे। पहले यह फिल्म 1 दिसंबर 2017 को सिनेमाघरों में प्रदर्शित होने वाली थी, परंतु फिर कुछ लोगों के विरोध और सुप्रीम कोर्ट में चली कानूनी कार्रवाइयों के बाद यह फिल्म 24 जनवरी 2018 को रिलीज हुई। इसमें आपको बता दें कि इसका निर्देशक जो है वो संजय लीला भंसाली हैं, इसके निर्माता जो हैं वो वॉयकॉम 18 मोशन पिक्चर्स हैं और भंसाली प्रोडक्शन के द्वारा इसे निर्मित किया गया है। इसी के साथ इसका लेखक जो हैं वो आपको दिखेंगे राइटर संजय लीला भंसाली, प्रकाश कपाड़िया, पटकथा जो लिखी गई है वो संजय लीला भंसाली के द्वारा, और इसमें लीड रोल में आपको अभिनेता दिखेंगे दीपिका पादुकोण, शाहिद कपूर और रणवीर कपूर। और इसी के साथ मैं आपको बता दूं कि इसमें आपको कई सारी अच्छी चीज़ों को देखने को मिलेगा। इस फिल्म को आपको 25 जनवरी 2018 को सभी सिनेमाघरों में रिलीज कर दी गई थी, और इसकी जो है वो दो भाषाओं में इसे रिलीज़ की गई थी, पहले हिंदी और दूसरी राजस्थानी। इस फिल्म की टोटल लागत जो थी वह 215 करोड़ रुपये का था। इस फिल्म को बनाने में 215 करोड़ रुपये खर्च किए गए थे अकॉर्डिंग टू विकीपीडिया, और वही कुल कारोबार इस फिल्म का ऑल ओवर वर्ल्ड वर्ल्ड वाइड जो कलेक्शन था वो 585 करोड़ रुपये के हुई थी। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। और आप अगर पद्मावती को देखना चाहते हैं नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे YouTube वीडियो की और एक नई रिव्यू में।
तो दोस्तों इस वीडियो में हम जिस मूवी की रिव्यू करने वाले हैं उसका नाम है पद्मावत। जी हाँ, इस फिल्म में आपको बताएंगे कौन कौन से लीड रोल में एक्टर्स दिखेंगे, कौन कौन से हीरोइन जिसमें काम की है, इसकी कहानी क्या है, पद्मावत फिल्म को कब YouTube पर रिलीज़ किया जाएगा इसके बारे में आपको अपडेट भी देंगे, और YouTube पर आप पद्मावती को हिंदी भाषा में किस तारीख से देख सकते हैं ये भी आपको बताएंगे। तो दोस्तों इस वीडियो को पूरा देखिएगा, इसके कास्ट के बारे में, प्रोडक्शन के बारे में, और इसमें कितनी कमाई हुई थी इसके बारे में, इसकी लागत कितनी हुई थी बनाने में फ़िल्म को, इसके बारे में हम इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। तो अगर आप भी पद्मावत फिल्म को देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपको सारी अपडेट मिल सके। तो दोस्तों पद्मावत एक भारतीय ऐतिहासिक फिल्म है जिसका निर्देशन जो है वो संजय लीला भंसाली ने किया है, और इसका निर्माण जो है वो भंसाली प्रोडक्शन और वॉयकॉम 18 मोशन पिक्चर्स ने किया है। फिल्म में आपको मुख्य भूमिका में लीड रोल में आपको दीपिका पादुकोण, शाहिद कपूर और रणवीर सिंह दिखेंगे। पहले यह फिल्म 1 दिसंबर 2017 को सिनेमाघरों में प्रदर्शित होने वाली थी, परंतु फिर कुछ लोगों के विरोध और सुप्रीम कोर्ट में चली कानूनी कार्रवाइयों के बाद यह फिल्म 24 जनवरी 2018 को रिलीज हुई। इसमें आपको बता दें कि इसका निर्देशक जो है वो संजय लीला भंसाली हैं, इसके निर्माता जो हैं वो वॉयकॉम 18 मोशन पिक्चर्स हैं, और भंसाली प्रोडक्शन के द्वारा इसे निर्मित किया गया है। इसी के साथ इसके लेखक जो हैं वो आपको दिखेंगे राइटर संजय लीला भंसाली, प्रकाश कपाड़िया, पटकथा जो लिखी गई है वो संजय लीला भंसाली के द्वारा, और इसमें लीड रोल में आपको अभिनेता दिखेंगे दीपिका पादुकोण, शाहिद कपूर और रणवीर कपूर। और इसी के साथ मैं आपको बता दूं कि इसमें आपको कई सारी अच्छी चीज़ों को देखने को मिलेगा। इस फिल्म को आपको 25 जनवरी 2018 को सभी सिनेमाघरों में रिलीज कर दी गई थी, और इसकी जो है वो दो भाषाओं में इसे रिलीज़ की गई थी, पहले हिंदी और दूसरी राजस्थानी। इस फिल्म की टोटल लागत जो थी वह 215 करोड़ रुपए का था। इस फिल्म को बनाने में 215 करोड़ रुपए खर्च किए गए थे अकॉर्डिंग टू विकीपीडिया, और वही कुल कारोबार इस फिल्म का ऑल ओवर वर्ल्ड वाइड जो कलेक्शन था वो 585 करोड़ रुपए के हुई थी। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, और आप अगर पद्मावती को देखना चाहते हैं नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे YouTube वीडियो की और एक नई रिव्यू में। तो दोस्तों इस वीडियो में हम जिस मूवी की रिव्यू करने वाले हैं उसका नाम है पद्मावत। जी हाँ, इस फिल्म में आपको बताएंगे कौन कौन से लीड रोल में एक्टर्स दिखेंगे, कौन कौन से हीरोइन जिसमें काम की है, इसकी कहानी क्या है, पद्मावत फिल्म को कब YouTube पर रिलीज़ किया जाएगा इसके बारे में आपको अपडेट भी देंगे, और YouTube पर आप पद्मावती को हिंदी भाषा में किस तारीख से देख सकते हैं ये भी आपको बताएंगे। तो दोस्तों इस वीडियो को पूरा देखिएगा, इसके कास्ट के बारे में, प्रोडक्शन के बारे में, और इसमें कितनी कमाई हुई थी इसके बारे में, इसकी लागत कितनी हुई थी बनाने में फ़िल्म को, इसके बारे में हम इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। तो अगर आप भी पद्मावत फिल्म को देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपको सारी अपडेट मिल सके। तो दोस्तों पद्मावत एक भारतीय ऐतिहासिक फिल्म है जिसका निर्देशन जो है वो संजय लीला भंसाली ने किया है, और इसका निर्माण जो है वो भंसाली प्रोडक्शन और वॉयकॉम 18 मोशन पिक्चर्स ने किया है। फिल्म में आपको मुख्य भूमिका में लीड रोल में आपको दीपिका पादुकोण, शाहिद कपूर और रणवीर सिंह दिखेंगे। पहले यह फिल्म 1 दिसंबर 2017 को सिनेमाघरों में प्रदर्शित होने वाली थी, परंतु फिर कुछ लोगों के विरोध और सुप्रीम कोर्ट में चली कानूनी कार्रवाइयों के बाद यह फिल्म 24 जनवरी 2018 को रिलीज हुई। इसमें आपको बता दें कि इसका निर्देशक जो है वो संजय लीला भंसाली हैं, इसके निर्माता जो हैं वो वॉयकॉम 18 मोशन पिक्चर्स हैं, और भंसाली प्रोडक्शन के द्वारा इसे निर्मित किया गया है। इसी के साथ इसके लेखक जो हैं वो आपको दिखेंगे राइटर संजय लीला भंसाली, प्रकाश कपाड़िया, पटकथा जो लिखी गई है वो संजय लीला भंसाली के द्वारा, और इसमें लीड रोल में आपको अभिनेता दिखेंगे दीपिका पादुकोण, शाहिद कपूर और रणवीर कपूर। और इसी के साथ मैं आपको बता दूं कि इसमें आपको कई सारी अच्छी चीज़ों को देखने को मिलेगा। इस फिल्म को आपको 25 जनवरी 2018 को सभी सिनेमाघरों में रिलीज कर दी गई थी, और इसकी जो है वो दो भाषाओं में इसे रिलीज़ की गई थी, पहले हिंदी और दूसरी राजस्थानी। इस फिल्म की टोटल लागत जो थी वह 215 करोड़ रुपए का था। इस फिल्म को बनाने में 215 करोड़ रुपए खर्च किए गए थे अकॉर्डिंग टू विकीपीडिया, और वही कुल कारोबार इस फिल्म का ऑल ओवर वर्ल्ड वाइड जो कलेक्शन था वो 585 करोड़ रुपए के हुई थी।
तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। और आप अगर पद्मावती को देखना चाहते हैं नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे YouTube वीडियो की और एक नई रिव्यू में। तो दोस्तों इस वीडियो में हम जिस मूवी की रिव्यू करने वाले हैं उसका नाम है पद्मावत। जी हाँ, इस फिल्म में आपको बताएंगे कौन कौन से लीड रोल में एक्टर्स दिखेंगे, कौन कौन से हीरोइन जिस पे काम की है, इसकी कहानी क्या है, पद्मावत फिल्म को कब YouTube पर रिलीज़ किया जाएगा इसके बारे में आपको अपडेट भी देंगे, और YouTube पर आप पद्मावती को हिंदी भाषा में किस तारीख से देख सकते हैं ये भी आपको बताएंगे। तो दोस्तों इस वीडियो को पूरा देखिएगा। इसके कास्ट के बारे में, प्रोडक्शन के बारे में, और इसमें कितनी कमाई हुई थी इसके बारे में, इसकी लागत कितनी हुई थी बनाने में फिल्म को, इसके बारे में हम इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। तो अगर आप भी पद्मावत फिल्म को देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपको सारी अपडेट मिल सके। तो दोस्तों पद्मावत एक भारतीय ऐतिहासिक फिल्म है जिसका निर्देशन जो है वो संजय लीला भंसाली ने किया है, और इसका निर्माण जो है वो भंसाली प्रोडक्शन और वॉयकॉम 18 मोशन पिक्चर्स ने किया है। फिल्म में आपको मुख्य भूमिका में लीड रोल में आपको दीपिका पादुकोण, शाहिद कपूर और रणवीर सिंह दिखेंगे। पहले यह फिल्म 1 दिसंबर 2017 को सिनेमाघरों में प्रदर्शित होने वाली थी, परंतु फिर कुछ लोगों के विरोध और सुप्रीम कोर्ट में चली कानूनी कार्रवाइयों के बाद यह फिल्म 24 जनवरी 2018 को रिलीज हुई। इसमें आपको बता दें कि इसका निर्देशक जो है वो संजय लीला भंसाली हैं, इसके निर्माता जो हैं वो वॉयकॉम 18 मोशन पिक्चर्स हैं, और भंसाली प्रोडक्शन के द्वारा इसे निर्मित किया गया है। इसी के साथ इसका लेखक जो हैं वो आपको दिखेंगे राइटर संजय लीला भंसाली, प्रकाश कपाड़िया। पटकथा जो लिखी गई है वो संजय लीला भंसाली के द्वारा, और इसमें लीड रोल में आपको अभिनेता दिखेंगे दीपिका पादुकोण, शाहिद कपूर और रणवीर कपूर। और इसी के साथ मैं आपको बता दूं कि इसमें आपको कई सारी अच्छी चीज़ों को देखने को मिलेगा। इस फिल्म को आपको 25 जनवरी 2018 को सभी सिनेमाघरों में रिलीज कर दी गई थी, और इसकी जो है वो दो भाषाओं में इसे रिलीज़ की गई थी, पहले हिंदी और दूसरी राजस्थानी। इस फिल्म की टोटल लागत जो थी वह 215 करोड़ रुपये का था। इस फिल्म को बनाने में 215 करोड़ रुपये खर्च किए गए थे अकॉर्डिंग टू विकीपीडिया, और वही कुल कारोबार इस फिल्म का ऑल ओवर वर्ल्ड वाइड जो कलेक्शन था वो 585 करोड़ रुपये के हुई थी। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। और आप अगर पद्मावती को देखना चाहते हैं नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे YouTube वीडियो की और एक नई रिव्यू में। तो दोस्तों इस वीडियो में हम जिस मूवी की रिव्यू करने वाले हैं उसका नाम है पद्मावत। जी हाँ, इस फिल्म में आपको बताएंगे कौन कौन से लीड रोल में एक्टर्स दिखेंगे, कौन कौन से हीरोइन जिसपे काम की है, इसकी कहानी क्या है, पद्मावत फिल्म को कब YouTube पर रिलीज़ किया जाएगा इसके बारे में आपको अपडेट भी देंगे, और YouTube पर आप पद्मावती को हिंदी भाषा में किस तारीख से देख सकते हैं ये भी आपको बताएंगे। तो दोस्तों इस वीडियो को पूरा देखिएगा। इसके कास्ट के बारे में, प्रोडक्शन के बारे में, और इसमें कितनी कमाई हुई थी इसके बारे में, इसकी लागत कितनी हुई थी बनाने में फिल्म को, इसके बारे में हम इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। तो अगर आप भी पद्मावत फिल्म को देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपको सारी अपडेट मिल सके। तो दोस्तों पद्मावत एक भारतीय ऐतिहासिक फिल्म है जिसका निर्देशन जो है वो संजय लीला भंसाली ने किया है, और इसका निर्माण जो है वो भंसाली प्रोडक्शन और वॉयकॉम 18 मोशन पिक्चर्स ने किया है। फिल्म में आपको मुख्य भूमिका में लीड रोल में आपको दीपिका पादुकोण, शाहिद कपूर और रणवीर सिंह दिखेंगे। पहले यह फिल्म 1 दिसंबर 2017 को सिनेमाघरों में प्रदर्शित होने वाली थी, परंतु फिर कुछ लोगों के विरोध और सुप्रीम कोर्ट में चली कानूनी कार्रवाइयों के बाद यह फिल्म 24 जनवरी 2018 को रिलीज हुई। इसमें आपको बता दें कि इसका निर्देशक जो है वो संजय लीला भंसाली हैं, इसके निर्माता जो हैं वो वॉयकॉम 18 मोशन पिक्चर्स हैं, और भंसाली प्रोडक्शन के द्वारा इसे निर्मित किया गया है। इसी के साथ इसका लेखक जो हैं वो आपको दिखेंगे राइटर संजय लीला भंसाली, प्रकाश कपाड़िया। पटकथा जो लिखी गई है वो संजय लीला भंसाली के द्वारा, और इसमें लीड रोल में आपको अभिनेता दिखेंगे दीपिका पादुकोण, शाहिद कपूर और रणवीर कपूर। और इसी के साथ मैं आपको बता दूं कि इसमें आपको कई सारी अच्छी चीज़ों को देखने को मिलेगा। इस फिल्म को आपको 25 जनवरी 2018 को सभी सिनेमाघरों में रिलीज़ कर दी गई थी,
और इसके जो है वो दो भाषाओं में इसे रिलीज़ की गई थी, पहले हिंदी और दूसरी राजस्थानी। इस फिल्म की टोटल लागत जो थी वह 215 करोड़ रुपए का था। इस फिल्म को बनाने में 215 करोड़ रुपए खर्च किए गए थे अकॉर्डिंग टू विकीपीडिया। और वही कुल कारोबार इस फिल्म का ऑल ओवर वर्ल्ड वर्ल्ड वाइड जो कलेक्शन था वो 585 करोड़ रुपए के हुई थी। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। और आप अगर पद्मावती को देखना चाहते हैं नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे YouTube वीडियो की और एक नई रिव्यू में। तो दोस्तों इस वीडियो में हम जिस मूवी की रिव्यू करने वाले हैं उसका नाम है पद्मावत। जी हाँ, इस फिल्म में आपको बताएंगे कौन कौन से लीड रोल में एक्टर्स दिखेंगे, कौन कौन से हीरोइन जिसमें काम की है, इसकी कहानी क्या है, पद्मावत फिल्म को कब YouTube पर रिलीज़ किया जाएगा इसके बारे में आपको अपडेट भी देंगे, और YouTube पर आप पद्मावती को हिंदी भाषा में किस तारीख से देख सकते हैं ये भी आपको बताएंगे। तो दोस्तों इस वीडियो को पूरा देखिएगा, इसके कास्ट के बारे में, प्रोडक्शन के बारे में, और इसमें कितनी कमाई हुई थी इसके बारे में, इसकी लागत कितनी हुई थी बनाने में फिल्म को, इसके बारे में हम इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। तो अगर आप भी पद्मावत फिल्म को देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपको सारी अपडेट मिल सके। तो दोस्तों पद्मावत एक भारतीय ऐतिहासिक फिल्म है जिसका निर्देशन जो है वो संजय लीला भंसाली ने किया है, और इसका निर्माण जो है वो भंसाली प्रोडक्शन और वॉयकॉम 18 मोशन पिक्चर्स ने किया है। फिल्म में आपको मुख्य भूमिका में लीड रोल में आपको दीपिका पादुकोण, शाहिद कपूर और रणवीर सिंह दिखेंगे। पहले यह फिल्म 1 दिसंबर 2017 को सिनेमाघरों में प्रदर्शित होने वाली थी, परंतु फिर कुछ लोगों के विरोध और सुप्रीम कोर्ट में चली कानूनी कार्रवाइयों के बाद यह फिल्म 24 जनवरी 2018 को रिलीज हुई। इसमें आपको बता दें कि इसका निर्देशक जो है वो संजय लीला भंसाली हैं, इसके निर्माता जो हैं वो वॉयकॉम 18 मोशन पिक्चर्स हैं और भंसाली प्रोडक्शन के द्वारा इसे निर्मित किया गया है। इसी के साथ इसके लेखक जो हैं वो आपको दिखेंगे राइटर संजय लीला भंसाली, प्रकाश कपाड़िया, पटकथा जो लिखी गई है वो संजय लीला भंसाली के द्वारा, और इसमें लीड रोल में आपको अभिनेता दिखेंगे दीपिका पादुकोण, शाहिद कपूर और रणवीर कपूर। और इसी के साथ मैं आपको बता दूं कि इसमें आपको कई सारी अच्छी चीज़ों को देखने को मिलेगा। इस फिल्म को आपको 25 जनवरी 2018 को सभी सिनेमाघरों में रिलीज कर दी गई थी, और इसके जो है वो दो भाषाओं में इसे रिलीज़ की गई थी, पहले हिंदी और दूसरी राजस्थानी। इस फिल्म की टोटल लागत जो थी वह 215 करोड़ रुपए का था। इस फिल्म को बनाने में 215 करोड़ रुपए खर्च किए गए थे अकॉर्डिंग टू विकीपीडिया। और वही कुल कारोबार इस फिल्म का ऑल ओवर वर्ल्ड वाइड जो कलेक्शन था वो 585 करोड़ रुपए के हुई थी। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। और आप अगर पद्मावती को देखना चाहते हैं नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे YouTube वीडियो की और एक नई रिव्यू में। तो दोस्तों इस वीडियो में हम जिस मूवी की रिव्यू करने वाले हैं उसका नाम है पद्मावत। जी हाँ, इस फिल्म में आपको बताएंगे कौन कौन से लीड रोल में एक्टर्स दिखेंगे, कौन कौन से हीरोइन जिसमें काम की है, इसकी कहानी क्या है, पद्मावत फिल्म को कब YouTube पर रिलीज़ किया जाएगा इसके बारे में आपको अपडेट भी देंगे, और YouTube पर आप पद्मावती को हिंदी भाषा में किस तारीख से देख सकते हैं ये भी आपको बताएंगे। तो दोस्तों इस वीडियो को पूरा देखिएगा, इसके कास्ट के बारे में, प्रोडक्शन के बारे में, और इसमें कितनी कमाई हुई थी इसके बारे में, इसकी लागत कितनी हुई थी बनाने में फिल्म को, इसके बारे में हम इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। तो अगर आप भी पद्मावत फिल्म को देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपको सारी अपडेट मिल सके। तो दोस्तों पद्मावत एक भारतीय ऐतिहासिक फिल्म है जिसका निर्देशन जो है वो संजय लीला भंसाली ने किया है, और इसका निर्माण जो है वो भंसाली प्रोडक्शन और वॉयकॉम 18 मोशन पिक्चर्स ने किया है। फिल्म में आपको मुख्य भूमिका में लीड रोल में आपको दीपिका पादुकोण, शाहिद कपूर और रणवीर सिंह दिखेंगे। पहले यह फिल्म 1 दिसंबर 2017 को सिनेमाघरों में प्रदर्शित होने वाली थी, परंतु फिर कुछ लोगों के विरोध और सुप्रीम कोर्ट में चली कानूनी कार्रवाइयों के बाद यह फिल्म 24 जनवरी 2018 को रिलीज हुई। इसमें आपको बता दें कि इसका निर्देशक जो है वो संजय लीला भंसाली हैं, इसके निर्माता जो हैं वो वॉयकॉम 18 मोशन पिक्चर्स हैं और भंसाली प्रोडक्शन के द्वारा इसे निर्मित किया गया है।
इसी के साथ इसके लेखक जो हैं वो आपको दिखेंगे, राइटर संजय लीला भंसाली, प्रकाश कपाड़िया। पटकथा जो लिखी गई है वो संजय लीला भंसाली के द्वारा, और इसमें लीड रोल में आपको अभिनेता दिखेंगे दीपिका पादुकोण, शाहिद कपूर और रणवीर कपूर। और इसी के साथ मैं आपको बता दूं कि इसमें आपको कई सारी अच्छी चीज़ों को देखने को मिलेगा। इस फिल्म को आपको 25 जनवरी 2018 को सभी सिनेमाघरों में रिलीज कर दी गई थी, और इसकी जो है वो दो भाषाओं में इसे रिलीज़ की गई थी, पहले हिंदी और दूसरी राजस्थानी। इस फिल्म की टोटल लागत जो थी वह 215 करोड़ रुपए का था। इस फिल्म को बनाने में 215 करोड़ रुपए खर्च किए गए थे अकॉर्डिंग टू विकीपीडिया, और वही कुल कारोबार इस फिल्म का ऑल ओवर वर्ल्ड वर्ल्ड वाइड जो कलेक्शन था वो 585 करोड़ रुपये के हुई थी। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। और आप अगर पद्मावती को देखना चाहते हैं नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे YouTube वीडियो की और एक नई रिव्यू में। तो दोस्तों इस वीडियो में हम जिस मूवी की रिव्यू करने वाले हैं उसका नाम है पद्मावत। जी हाँ, इस फिल्म में आपको बताएंगे कौन कौन से लीड रोल में एक्टर्स दिखेंगे, कौन कौन से हीरोइन जिसमें काम की है, इसकी कहानी क्या है, पद्मावत फिल्म को कब YouTube पर रिलीज़ किया जाएगा इसके बारे में आपको अपडेट भी देंगे, और YouTube पर आप पद्मावती को हिंदी भाषा में किस तारीख से देख सकते हैं ये भी आपको बताएंगे। तो दोस्तों इस वीडियो को पूरा देखिएगा। इसके कास्ट के बारे में, प्रोडक्शन के बारे में, और इसमें कितनी कमाई हुई थी इसके बारे में, इसकी लागत कितनी हुई थी बनाने में फिल्म को, इसके बारे में हम इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। तो अगर आप भी पद्मावत फिल्म को देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपको सारी अपडेट मिल सके। तो दोस्तों पद्मावत एक भारतीय ऐतिहासिक फिल्म है जिसका निर्देशन जो है वो संजय लीला भंसाली ने किया है, और इसका निर्माण जो है वो भंसाली प्रोडक्शन और वॉयकॉम 18 मोशन पिक्चर्स ने किया है। फिल्म में आपको मुख्य भूमिका में लीड रोल में आपको दीपिका पादुकोण, शाहिद कपूर और रणवीर सिंह दिखेंगे। पहले यह फिल्म 1 दिसंबर 2017 को सिनेमाघरों में प्रदर्शित होने वाली थी, परंतु फिर कुछ लोगों के विरोध और सुप्रीम कोर्ट में चली कानूनी कार्रवाइयों के बाद यह फिल्म 24 जनवरी 2018 को रिलीज हुई। इसमें आपको बता दें कि इसका निर्देशक जो है वो संजय लीला भंसाली हैं, इसके निर्माता जो हैं वो वॉयकॉम 18 मोशन पिक्चर्स हैं, और भंसाली प्रोडक्शन के द्वारा इसे निर्मित किया गया है। इसी के साथ इसके लेखक जो हैं वो आपको दिखेंगे, राइटर संजय लीला भंसाली, प्रकाश कपाड़िया। पटकथा जो लिखी गई है वो संजय लीला भंसाली के द्वारा, और इसमें लीड रोल में आपको अभिनेता दिखेंगे दीपिका पादुकोण, शाहिद कपूर और रणवीर कपूर। और इसी के साथ मैं आपको बता दूं कि इसमें आपको कई सारी अच्छी चीज़ों को देखने को मिलेगा। इस फिल्म को आपको 25 जनवरी 2018 को सभी सिनेमाघरों में रिलीज कर दी गई थी, और इसकी जो है वो दो भाषाओं में इसे रिलीज़ की गई थी, पहले हिंदी और दूसरी राजस्थानी। इस फिल्म की टोटल लागत जो थी वह 215 करोड़ रुपए का था। इस फिल्म को बनाने में 215 करोड़ रुपए खर्च किए गए थे अकॉर्डिंग टू विकीपीडिया, और वही कुल कारोबार इस फिल्म का ऑल ओवर वर्ल्ड वर्ल्ड वाइड जो कलेक्शन था वो 585 करोड़ रुपये के हुई थी। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। और आप अगर पद्मावती को देखना चाहते हैं नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे YouTube वीडियो की और एक नई रिव्यू में। तो दोस्तों इस वीडियो में हम जिस मूवी की रिव्यू करने वाले हैं उसका नाम है पद्मावत। जी हाँ, इस फिल्म में आपको बताएंगे कौन कौन से लीड रोल में एक्टर्स दिखेंगे, कौन कौन से हीरोइन जिसमें काम की है, इसकी कहानी क्या है, पद्मावत फिल्म को कब YouTube पर रिलीज़ किया जाएगा इसके बारे में आपको अपडेट भी देंगे, और YouTube पर आप पद्मावती को हिंदी भाषा में किस तारीख से देख सकते हैं ये भी आपको बताएंगे। तो दोस्तों इस वीडियो को पूरा देखिएगा। इसके कास्ट के बारे में, प्रोडक्शन के बारे में, और इसमें कितनी कमाई हुई थी इसके बारे में, इसकी लागत कितनी हुई थी बनाने में फिल्म को, इसके बारे में हम इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। तो अगर आप भी पद्मावत फिल्म को देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपको सारी अपडेट मिल सके। तो दोस्तों पद्मावत एक भारतीय ऐतिहासिक फिल्म है जिसका निर्देशन जो है वो संजय लीला भंसाली ने किया है, और इसका निर्माण जो है वो भंसाली प्रोडक्शन और वॉयकॉम 18 मोशन पिक्चर्स ने किया है। फिल्म में आपको मुख्य भूमिका में लीड रोल में आपको दीपिका पादुकोण, शाहिद कपूर और रणवीर सिंह दिखेंगे।
पहले यह फिल्म 1 दिसंबर 2017 को सिनेमाघरों में प्रदर्शित होने वाली थी, परंतु फिर कुछ लोगों के विरोध और सुप्रीम कोर्ट में चली कानूनी कार्रवाइयों के बाद यह फिल्म 24 जनवरी 2018 को रिलीज हुई। इसमें आपको बता दें कि इसका निर्देशक जो है वो संजय लीला भंसाली हैं, इसके निर्माता जो हैं वो वॉयकॉम 18 मोशन पिक्चर्स हैं और भंसाली प्रोडक्शन के द्वारा इसे निर्मित किया गया है। इसी के साथ इसका लेखक जो हैं वो आपको दिखेंगे राइटर संजय लीला भंसाली, प्रकाश कपाड़िया, पटकथा जो लिखी गई है वो संजय लीला भंसाली के द्वारा, और इसमें लीड रोल में आपको अभिनेता दिखेंगे दीपिका पादुकोण, शाहिद कपूर और रणवीर कपूर। और इसी के साथ मैं आपको बता दूं कि इसमें आपको कई सारी अच्छी चीज़ों को देखने को मिलेगा। इस फिल्म को आपको 25 जनवरी 2018 को सभी सिनेमाघरों में रिलीज कर दी गई थी, और इसकी जो है वो दो भाषाओं में इसे रिलीज़ की गई थी, पहले हिंदी और दूसरी राजस्थानी। इस फिल्म की टोटल लागत जो थी वह 215 करोड़ रुपए का था। इस फिल्म को बनाने में 215 करोड़ रुपए खर्च किए गए थे अकॉर्डिंग टू विकिपीडिया, और वही कुल कारोबार इस फिल्म का ऑल ओवर वर्ल्ड वर्ल्ड वाइड जो कलेक्शन था वो 585 करोड़ रुपए के हुई थी। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, और आप अगर पद्मावती को देखना चाहते हैं नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे YouTube वीडियो की और एक नई रिव्यू में। तो दोस्तों इस वीडियो में हम जिस मूवी की रिव्यू करने वाले हैं उसका नाम है पद्मावत। जी हाँ, इस फिल्म में आपको बताएंगे कौन कौन से लीड रोल में एक्टर्स दिखेंगे, कौन कौन से हीरोइन जिस पे काम की है, इसकी कहानी क्या है, पद्मावत फिल्म को कब YouTube पर रिलीज़ किया जाएगा इसके बारे में आपको अपडेट भी देंगे, और YouTube पर आप पद्मावती को हिंदी भाषा में किस तारीख से देख सकते हैं ये भी आपको बताएंगे। तो दोस्तों इस वीडियो को पूरा देखिएगा, इसके कास्ट के बारे में, प्रोडक्शन के बारे में, और इसमें कितनी कमाई हुई थी इसके बारे में, इसकी लागत कितनी हुई थी बनाने में फिल्म को, इसके बारे में हम इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। तो अगर आप भी पद्मावत फिल्म को देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपको सारी अपडेट मिल सके। तो दोस्तों पद्मावत एक भारतीय ऐतिहासिक फिल्म है जिसका निर्देशन जो है वो संजय लीला भंसाली ने किया है, और इसका निर्माण जो है वो भंसाली प्रोडक्शन और वॉयकॉम 18 मोशन पिक्चर्स ने किया है। फिल्म में आपको मुख्य भूमिका में लीड रोल में आपको दीपिका पादुकोण, शाहिद कपूर और रणवीर सिंह दिखेंगे। पहले यह फिल्म 1 दिसंबर 2017 को सिनेमाघरों में प्रदर्शित होने वाली थी, परंतु फिर कुछ लोगों के विरोध और सुप्रीम कोर्ट में चली कानूनी कार्रवाइयों के बाद यह फिल्म 24 जनवरी 2018 को रिलीज हुई। इसमें आपको बता दें कि इसका निर्देशक जो है वो संजय लीला भंसाली हैं, इसके निर्माता जो हैं वो वॉयकॉम 18 मोशन पिक्चर्स हैं और भंसाली प्रोडक्शन के द्वारा इसे निर्मित किया गया है। इसी के साथ इसका लेखक जो हैं वो आपको दिखेंगे राइटर संजय लीला भंसाली, प्रकाश कपाड़िया, पटकथा जो लिखी गई है वो संजय लीला भंसाली के द्वारा, और इसमें लीड रोल में आपको अभिनेता दिखेंगे दीपिका पादुकोण, शाहिद कपूर और रणवीर कपूर। और इसी के साथ मैं आपको बता दूं कि इसमें आपको कई सारी अच्छी चीज़ों को देखने को मिलेगा। इस फिल्म को आपको 25 जनवरी 2018 को सभी सिनेमाघरों में रिलीज कर दी गई थी, और इसकी जो है वो दो भाषाओं में इसे रिलीज़ की गई थी, पहले हिंदी और दूसरी राजस्थानी। इस फिल्म की टोटल लागत जो थी वह 215 करोड़ रुपए का था। इस फिल्म को बनाने में 215 करोड़ रुपए खर्च किए गए थे अकॉर्डिंग टू विकिपीडिया, और वही कुल कारोबार इस फिल्म का ऑल ओवर वर्ल्ड वर्ल्ड वाइड जो कलेक्शन था वो 585 करोड़ रुपये के हुई थी। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, और आप अगर पद्मावती को देखना चाहते हैं नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे YouTube वीडियो की और एक नई रिव्यू में। तो दोस्तों इस वीडियो में हम जिस मूवी की रिव्यू करने वाले हैं उसका नाम है पद्मावत। जी हाँ, इस फिल्म में आपको बताएंगे कौन कौन से लीड रोल में एक्टर्स दिखेंगे, कौन कौन से हीरोइन जिसपे काम की है, इसकी कहानी क्या है, पद्मावत फिल्म को कब YouTube पर रिलीज़ किया जाएगा इसके बारे में आपको अपडेट भी देंगे, और YouTube पर आप पद्मावती को हिंदी भाषा में किस तारीख से देख सकते हैं ये भी आपको बताएंगे। तो दोस्तों इस वीडियो को पूरा देखिएगा, इसके कास्ट के बारे में, प्रोडक्शन के बारे में, और इसमें कितनी कमाई हुई थी इसके बारे में, इसकी लागत कितनी हुई थी बनाने में फिल्म को, इसके बारे में हम इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं।
तो अगर आप भी पद्मावत फिल्म को देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपको सारी अपडेट मिल सके। तो दोस्तों, पद्मावत एक भारतीय ऐतिहासिक फिल्म है जिसका निर्देशन जो है वो संजय लीला भंसाली ने किया है और इसका निर्माण जो है वो भंसाली प्रोडक्शन और वॉयकॉम 18 मोशन पिक्चर्स ने किया है। फिल्म में आपको मुख्य भूमिका में लीड रोल में आपको दीपिका पादुकोण, शाहिद कपूर और रणवीर सिंह दिखेंगे। पहले यह फिल्म 1 दिसंबर 2017 को सिनेमाघरों में प्रदर्शित होने वाली थी, परंतु फिर कुछ लोगों के विरोध और सुप्रीम कोर्ट में चली कानूनी कार्रवाइयों के बाद यह फिल्म 24 जनवरी 2018 को रिलीज हुई। इसमें आपको बता दें कि इसका निर्देशक जो है वो संजय लीला भंसाली हैं, इसके निर्माता जो हैं वो वॉयकॉम 18 मोशन पिक्चर्स हैं और भंसाली प्रोडक्शन के द्वारा इसे निर्मित किया गया है। इसी के साथ इसका लेखक जो हैं वो आपको दिखेंगे राइटर संजय लीला भंसाली, प्रकाश कपाड़िया। पटकथा जो लिखी गई है वो संजय लीला भंसाली के द्वारा और इसमें लीड रोल में आपको अभिनेता दिखेंगे दीपिका पादुकोण, शाहिद कपूर और रणवीर कपूर। और इसी के साथ मैं आपको बता दूं कि इसमें आपको कई सारी अच्छी चीज़ों को देखने को मिलेगा। इस फिल्म को आपको 25 जनवरी 2018 को सभी सिनेमाघरों में रिलीज कर दी गई थी और इसकी जो है वो दो भाषाओं में इसे रिलीज़ की गई थी, पहले हिंदी और दूसरी राजस्थानी। इस फिल्म की टोटल लागत जो थी वह 215 करोड़ रुपए का था। इस फिल्म को बनाने में 215 करोड़ रुपए खर्च किए गए थे अकॉर्डिंग टू विकीपीडिया। और वही कुल कारोबार इस फिल्म का ऑल ओवर वर्ल्ड वाइड जो कलेक्शन था वो 585 करोड़ रुपये के हुई थी। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। और आप अगर पद्मावती को देखना चाहते हैं नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे YouTube वीडियो की और एक नई रिव्यू में। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम जिस मूवी की रिव्यू करने वाले हैं उसका नाम है पद्मावत। जी हाँ, इस फिल्म में आपको बताएंगे कौन कौन से लीड रोल में एक्टर्स दिखेंगे, कौन कौन से हीरोइन जिसमें काम की है, इसकी कहानी क्या है, पद्मावत फिल्म को कब YouTube पर रिलीज़ किया जाएगा इसके बारे में आपको अपडेट भी देंगे और YouTube पर आप पद्मावती को हिंदी भाषा में किस तारीख से देख सकते हैं ये भी आपको बताएंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो को पूरा देखिएगा। इसके कास्ट के बारे में, प्रोडक्शन के बारे में और इसमें कितनी कमाई हुई थी इसके बारे में, इसकी लागत कितनी हुई थी बनाने में फिल्म को, इसके बारे में हम इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। तो अगर आप भी पद्मावत फिल्म को देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपको सारी अपडेट मिल सके। तो दोस्तों, पद्मावत एक भारतीय ऐतिहासिक फिल्म है जिसका निर्देशन जो है वो संजय लीला भंसाली ने किया है और इसका निर्माण जो है वो भंसाली प्रोडक्शन और वॉयकॉम 18 मोशन पिक्चर्स ने किया है। फिल्म में आपको मुख्य भूमिका में लीड रोल में आपको दीपिका पादुकोण, शाहिद कपूर और रणवीर सिंह दिखेंगे। पहले यह फिल्म 1 दिसंबर 2017 को सिनेमाघरों में प्रदर्शित होने वाली थी, परंतु फिर कुछ लोगों के विरोध और सुप्रीम कोर्ट में चली कानूनी कार्रवाइयों के बाद यह फिल्म 24 जनवरी 2018 को रिलीज हुई। इसमें आपको बता दें कि इसका निर्देशक जो है वो संजय लीला भंसाली हैं, इसके निर्माता जो हैं वो वॉयकॉम 18 मोशन पिक्चर्स हैं और भंसाली प्रोडक्शन के द्वारा इसे निर्मित किया गया है। इसी के साथ इसका लेखक जो हैं वो आपको दिखेंगे राइटर संजय लीला भंसाली, प्रकाश कपाड़िया। पटकथा जो लिखी गई है वो संजय लीला भंसाली के द्वारा और इसमें लीड रोल में आपको अभिनेता दिखेंगे दीपिका पादुकोण, शाहिद कपूर और रणवीर कपूर। और इसी के साथ मैं आपको बता दूं कि इसमें आपको कई सारी अच्छी चीज़ों को देखने को मिलेगा। इस फिल्म को आपको 25 जनवरी 2018 को सभी सिनेमाघरों में रिलीज कर दी गई थी और इसकी जो है वो दो भाषाओं में इसे रिलीज़ की गई थी, पहले हिंदी और दूसरी राजस्थानी। इस फिल्म की टोटल लागत जो थी वह 215 करोड़ रुपए का था। इस फिल्म को बनाने में 215 करोड़ रुपए खर्च किए गए थे अकॉर्डिंग टू विकीपीडिया। और वही कुल कारोबार इस फिल्म का ऑल ओवर वर्ल्ड वाइड जो कलेक्शन था वो 585 करोड़ रुपये के हुई थी। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। और आप अगर पद्मावती को देखना चाहते हैं नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे YouTube वीडियो की और एक नई रिव्यू में। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम जिस मूवी की रिव्यू करने वाले हैं उसका नाम है पद्मावत। जी हाँ, इस फिल्म में आपको बताएंगे कौन कौन से लीड रोल में एक्टर्स दिखेंगे, कौन कौन से हीरोइन जिसमें काम की है, इसकी कहानी क्या है, पद्मावत फिल्म को
कब YouTube पर रिलीज़ किया जाएगा इसके बारे में आपको अपडेट भी देंगे, और YouTube पर आप पद्मावती को हिंदी भाषा में किस तारीख से देख सकते हैं ये भी आपको बताएंगे। तो दोस्तों इस वीडियो को पूरा देखिएगा, इसके कास्ट के बारे में, प्रोडक्शन के बारे में, और इसमें कितनी कमाई हुई थी इसके बारे में, इसकी लागत कितनी हुई थी बनाने में फिल्म को, इसके बारे में हम इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। तो अगर आप भी पद्मावत फिल्म को देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपको सारी अपडेट मिल सके। तो दोस्तों पद्मावत एक भारतीय ऐतिहासिक फिल्म है जिसका निर्देशन जो है वो संजय लीला भंसाली ने किया है, और इसका निर्माण जो है वो भंसाली प्रोडक्शन और वॉयकॉम 18 मोशन पिक्चर्स ने किया है। फिल्म में आपको मुख्य भूमिका में लीड रोल में आपको दीपिका पादुकोण, शाहिद कपूर और रणवीर सिंह दिखेंगे। पहले यह फिल्म 1 दिसंबर 2017 को सिनेमाघरों में प्रदर्शित होने वाली थी, परंतु फिर कुछ लोगों के विरोध और सुप्रीम कोर्ट में चली कानूनी कार्रवाइयों के बाद यह फिल्म 24 जनवरी 2018 को रिलीज हुई। इसमें आपको बता दें कि इसका निर्देशक जो है वो संजय लीला भंसाली हैं, इसके निर्माता जो हैं वो वॉयकॉम 18 मोशन पिक्चर्स हैं, और भंसाली प्रोडक्शन के द्वारा इसे निर्मित किया गया है। इसी के साथ इसका लेखक जो हैं वो आपको दिखेंगे राइटर संजय लीला भंसाली, प्रकाश कपाड़िया, पटकथा जो लिखी गई है वो संजय लीला भंसाली के द्वारा, और इसमें लीड रोल में आपको अभिनेता दिखेंगे दीपिका पादुकोण, शाहिद कपूर और रणवीर कपूर। और इसी के साथ मैं आपको बता दूं कि इसमें आपको कई सारी अच्छी चीज़ों को देखने को मिलेगा। इस फिल्म को आपको 25 जनवरी 2018 को सभी सिनेमाघरों में रिलीज कर दी गई थी, और इसकी जो है वो दो भाषाओं में इसे रिलीज़ की गई थी, पहले हिंदी और दूसरी राजस्थानी। इस फिल्म की टोटल लागत जो थी वह 215 करोड़ रुपए का था। इस फिल्म को बनाने में 215 करोड़ रुपए खर्च किए गए थे अकॉर्डिंग टू विकीपीडिया, और वही कुल कारोबार इस फिल्म का ऑल ओवर वर्ल्ड वर्ल्ड वाइड जो कलेक्शन था वो 585 करोड़ रुपये की हुई थी। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, और आप अगर पद्मावती को देखना चाहते हैं नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे YouTube वीडियो की और एक नई रिव्यू में। तो दोस्तों इस वीडियो में हम जिस मूवी की रिव्यू करने वाले हैं उसका नाम है पद्मावत। जी हाँ, इस फिल्म में आपको बताएंगे कौन कौन से लीड रोल में एक्टर्स दिखेंगे, कौन कौन से हीरोइन जिस पे काम की है, इसकी कहानी क्या है, पद्मावत फिल्म को कब YouTube पर रिलीज़ किया जाएगा इसके बारे में आपको अपडेट भी देंगे, और YouTube पर आप पद्मावती को हिंदी भाषा में किस तारीख से देख सकते हैं ये भी आपको बताएंगे। तो दोस्तों इस वीडियो को पूरा देखिएगा, इसके कास्ट के बारे में, प्रोडक्शन के बारे में, और इसमें कितनी कमाई हुई थी इसके बारे में, इसकी लागत कितनी हुई थी बनाने में फिल्म को, इसके बारे में हम इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। तो अगर आप भी पद्मावत फिल्म को देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपको सारी अपडेट मिल सके। तो दोस्तों पद्मावत एक भारतीय ऐतिहासिक फिल्म है जिसका निर्देशन जो है वो संजय लीला भंसाली ने किया है, और इसका निर्माण जो है वो भंसाली प्रोडक्शन और वॉयकॉम 18 मोशन पिक्चर्स ने किया है। फिल्म में आपको मुख्य भूमिका में लीड रोल में आपको दीपिका पादुकोण, शाहिद कपूर और रणवीर सिंह दिखेंगे। पहले यह फिल्म 1 दिसंबर 2017 को सिनेमाघरों में प्रदर्शित होने वाली थी, परंतु फिर कुछ लोगों के विरोध और सुप्रीम कोर्ट में चली कानूनी कार्रवाइयों के बाद यह फिल्म 24 जनवरी 2018 को रिलीज हुई। इसमें आपको बता दें कि इसका निर्देशक जो है वो संजय लीला भंसाली हैं, इसके निर्माता जो हैं वो वॉयकॉम 18 मोशन पिक्चर्स हैं, और भंसाली प्रोडक्शन के द्वारा इसे निर्मित किया गया है। इसी के साथ इसका लेखक जो हैं वो आपको दिखेंगे राइटर संजय लीला भंसाली, प्रकाश कपाड़िया, पटकथा जो लिखी गई है वो संजय लीला भंसाली के द्वारा, और इसमें लीड रोल में आपको अभिनेता दिखेंगे दीपिका पादुकोण, शाहिद कपूर और रणवीर कपूर। और इसी के साथ मैं आपको बता दूं कि इसमें आपको कई सारी अच्छी चीज़ों को देखने को मिलेगा। इस फिल्म को आपको 25 जनवरी 2018 को सभी सिनेमाघरों में रिलीज कर दी गई थी, और इसकी जो है वो दो भाषाओं में इसे रिलीज़ की गई थी, पहले हिंदी और दूसरी राजस्थानी। इस फिल्म की टोटल लागत जो थी वह 215 करोड़ रुपए का था। इस फिल्म को बनाने में 215 करोड़ रुपए खर्च किए गए थे अकॉर्डिंग टू विकीपीडिया, और वही कुल कारोबार इस फिल्म का ऑल ओवर वर्ल्ड वर्ल्ड वाइड जो कलेक्शन था वो 585 करोड़ रुपये की हुई थी। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, और आप अगर पद्मावती को देखना चाहते हैं
नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे YouTube वीडियो की और एक नई रिव्यू में। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम जिस मूवी की रिव्यू करने वाले हैं उसका नाम है पद्मावत। जी हाँ, इस फिल्म में आपको बताएंगे कौन कौन से लीड रोल में एक्टर्स दिखेंगे, कौन कौन से हीरोइन जिसमें काम की है, इसके कहानी क्या है, पद्मावत फिल्म को कब YouTube पर रिलीज़ किया जाएगा इसके बारे में आपको अपडेट भी देंगे, और YouTube पर आप पद्मावती को हिंदी भाषा में किस तारीख से देख सकते हैं ये भी आपको बताएंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो को पूरा देखिएगा। इसके कास्ट के बारे में, प्रोडक्शन के बारे में, और इसमें कितनी कमाई हुई थी इसके बारे में, इसकी लागत कितनी हुई थी बनाने में फिल्म को, इसके बारे में हम इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। तो अगर आप भी पद्मावत फिल्म को देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपको सारी अपडेट मिल सके। तो दोस्तों, पद्मावत एक भारतीय ऐतिहासिक फिल्म है जिसका निर्देशन जो है वो संजय लीला भंसाली ने किया है, और इसका निर्माण जो है वो भंसाली प्रोडक्शन और वॉयकॉम 18 मोशन पिक्चर्स ने किया है। फिल्म में आपको मुख्य भूमिका में लीड रोल में आपको दीपिका पादुकोण, शाहिद कपूर और रणवीर सिंह दिखेंगे। पहले यह फिल्म 1 दिसंबर 2017 को सिनेमाघरों में प्रदर्शित होने वाली थी, परंतु फिर कुछ लोगों के विरोध और सुप्रीम कोर्ट में चली कानूनी कार्रवाई के बाद यह फिल्म 24 जनवरी 2018 को रिलीज हुई। इसमें आपको बता दें कि इसका निर्देशक जो है वो संजय लीला भंसाली हैं, इसके निर्माता जो हैं वो वॉयकॉम 18 मोशन पिक्चर्स हैं, और भंसाली प्रोडक्शन के द्वारा इसे निर्मित किया गया है। इसी के साथ इसका लेखक जो हैं वो आपको दिखेंगे राइटर संजय लीला भंसाली, प्रकाश कपाड़िया, पटकथा जो लिखी गई है वो संजय लीला भंसाली के द्वारा, और इसमें लीड रोल में आपको अभिनेता दिखेंगे दीपिका पादुकोण, शाहिद कपूर और रणवीर कपूर। और इसी के साथ मैं आपको बता दूं कि इसमें आपको कई सारी अच्छी चीज़ों को देखने को मिलेगा। इस फिल्म को आपको 25 जनवरी 2018 को सभी सिनेमाघरों में रिलीज कर दी गई थी, और इसकी जो है वो दो भाषाओं में इसे रिलीज़ की गई थी, पहले हिंदी और दूसरी राजस्थानी। इस फिल्म की टोटल लागत जो थी वह 215 करोड़ रुपए का था। इस फिल्म को बनाने में 215 करोड़ रुपए खर्च किए गए थे, अकॉर्डिंग टू विकीपीडिया। और वही कुल कारोबार इस फिल्म का ऑल ओवर वर्ल्ड वर्ल्ड वाइड जो कलेक्शन था वो 585 करोड़ रुपए के हुई थी। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। और आप अगर पद्मावती को देखना चाहते हैं नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे YouTube वीडियो की और एक नई रिव्यू में। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम जिस मूवी की रिव्यू करने वाले हैं उसका नाम है पद्मावत। जी हाँ, इस फिल्म में आपको बताएंगे कौन कौन से लीड रोल में एक्टर्स दिखेंगे, कौन कौन से हीरोइन जिसमें काम की है, इसके कहानी क्या है, पद्मावत फिल्म को कब YouTube पर रिलीज़ किया जाएगा इसके बारे में आपको अपडेट भी देंगे, और YouTube पर आप पद्मावती को हिंदी भाषा में किस तारीख से देख सकते हैं ये भी आपको बताएंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो को पूरा देखिएगा। इसके कास्ट के बारे में, प्रोडक्शन के बारे में, और इसमें कितनी कमाई हुई थी इसके बारे में, इसकी लागत कितनी हुई थी बनाने में फिल्म को, इसके बारे में हम इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। तो अगर आप भी पद्मावत फिल्म को देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपको सारी अपडेट मिल सके। तो दोस्तों, पद्मावत एक भारतीय ऐतिहासिक फिल्म है जिसका निर्देशन जो है वो संजय लीला भंसाली ने किया है, और इसका निर्माण जो है वो भंसाली प्रोडक्शन और वॉयकॉम 18 मोशन पिक्चर्स ने किया है। फिल्म में आपको मुख्य भूमिका में लीड रोल में आपको दीपिका पादुकोण, शाहिद कपूर और रणवीर सिंह दिखेंगे। पहले यह फिल्म 1 दिसंबर 2017 को सिनेमाघरों में प्रदर्शित होने वाली थी, परंतु फिर कुछ लोगों के विरोध और सुप्रीम कोर्ट में चली कानूनी कार्रवाई के बाद यह फिल्म 24 जनवरी 2018 को रिलीज हुई। इसमें आपको बता दें कि इसका निर्देशक जो है वो संजय लीला भंसाली हैं, इसके निर्माता जो हैं वो वॉयकॉम 18 मोशन पिक्चर्स हैं, और भंसाली प्रोडक्शन के द्वारा इसे निर्मित किया गया है। इसी के साथ इसका लेखक जो हैं वो आपको दिखेंगे राइटर संजय लीला भंसाली, प्रकाश कपाड़िया, पटकथा जो लिखी गई है वो संजय लीला भंसाली के द्वारा, और इसमें लीड रोल में आपको अभिनेता दिखेंगे दीपिका पादुकोण, शाहिद कपूर और रणवीर कपूर। और इसी के साथ मैं आपको बता दूं कि इसमें आपको कई सारी अच्छी चीज़ों को देखने को मिलेगा। इस फिल्म को आपको 25 जनवरी 2018 को सभी सिनेमाघरों में रिलीज कर दी गई थी, और इसकी जो है वो दो भाषाओं में इसे रिलीज़ की गई थी, पहले हिंदी और दूसरी राजस्थानी। इस फिल्म की टोटल लागत जो थी वह 215 करोड़ रुपए का था। इस फिल्म को बनाने में 215 करोड़ रुपए खर्च किए गए थे, अकॉर्डिंग टू विकीपीडिया। और वही कुल कारोबार इस फिल्म का ऑल ओवर वर्ल्ड वाइड जो कनेक्शन था
कलेक्शन था वो 585 करोड़ रुपए के हुई थी। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। और आप अगर पद्मावती को देखना चाहते हैं नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे YouTube वीडियो की और एक नई रिव्यू में। तो दोस्तों इस वीडियो में हम जिस मूवी की रिव्यू करने वाले हैं उसका नाम है पद्मावत। जी हाँ, इस फिल्म में आपको बताएंगे कौन कौन से लीड रोल में एक्टर्स दिखेंगे, कौन कौन से हीरोइन जिसमें काम की है, इसकी कहानी क्या है, पद्मावत फिल्म को कब यूट्यूब पर रिलीज़ किया जाएगा इसके बारे में आपको अपडेट भी देंगे, और यूट्यूब पर आप पद्मावती को हिंदी भाषा में किस तारीख से देख सकते हैं ये भी आपको बताएंगे। तो दोस्तों इस वीडियो को पूरा देखिएगा। इसके कास्ट के बारे में, प्रोडक्शन के बारे में, और इसमें कितनी कमाई हुई थी इसके बारे में, इसकी लागत कितनी हुई थी बनाने में फिल्म को, इसके बारे में हम इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। तो अगर आप भी पद्मावत फिल्म को देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपको सारी अपडेट मिल सके। तो दोस्तों पद्मावत एक भारतीय ऐतिहासिक फिल्म है जिसका निर्देशन जो है वो संजय लीला भंसाली ने किया है, और इसका निर्माण जो है वो भंसाली प्रोडक्शन और वॉयकॉम 18 मोशन पिक्चर्स ने किया है। फिल्म में आपको मुख्य भूमिका में लीड रोल में आपको दीपिका पादुकोण, शाहिद कपूर और रणवीर सिंह दिखेंगे। पहले यह फिल्म 1 दिसंबर 2017 को सिनेमाघरों में प्रदर्शित होने वाली थी, परंतु फिर कुछ लोगों के विरोध और सुप्रीम कोर्ट में चली कानूनी कार्रवाइयों के बाद यह फिल्म 24 जनवरी 2018 को रिलीज हुई। इसमें आपको बता दें कि इसका निर्देशक जो है वो संजय लीला भंसाली हैं, इसके निर्माता जो हैं वो वॉयकॉम 18 मोशन पिक्चर्स हैं, और भंसाली प्रोडक्शन के द्वारा इसे निर्मित किया गया है। इसी के साथ इसका लेखक जो हैं वो आपको दिखेंगे राइटर संजय लीला भंसाली, प्रकाश कपाड़िया, पटकथा जो लिखी गई है वो संजय लीला भंसाली के द्वारा, और इसमें लीड रोल में आपको अभिनेता दिखेंगे दीपिका पादुकोण, शाहिद कपूर और रणवीर कपूर। और इसी के साथ मैं आपको बता दूं कि इसमें आपको कई सारी अच्छी चीज़ों को देखने को मिलेगा। इस फिल्म को आपको 25 जनवरी 2018 को सभी सिनेमाघरों में रिलीज कर दी गई थी, और इसकी जो है वो दो भाषाओं में इसे रिलीज़ की गई थी, पहले हिंदी और दूसरी राजस्थानी। इस फिल्म की टोटल लागत जो थी वह 215 करोड़ रुपए का था। इस फिल्म को बनाने में 215 करोड़ रुपए खर्च किए गए थे अकॉर्डिंग टू विकीपीडिया, और वही कुल कारोबार इस फिल्म का ऑल ओवर वर्ल्ड वाइड जो कलेक्शन था वो 585 करोड़ रुपये के हुई थी। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। और आप अगर पद्मावती को देखना चाहते हैं नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे YouTube वीडियो की और एक नई रिव्यू में। तो दोस्तों इस वीडियो में हम जिस मूवी की रिव्यू करने वाले हैं उसका नाम है पद्मावत। जी हाँ, इस फिल्म में आपको बताएंगे कौन कौन से लीड रोल में एक्टर्स दिखेंगे, कौन कौन से हीरोइन जिसमें काम की है, इसकी कहानी क्या है, पद्मावत फिल्म को कब यूट्यूब पर रिलीज़ किया जाएगा इसके बारे में आपको अपडेट भी देंगे, और यूट्यूब पर आप पद्मावती को हिंदी भाषा में किस तारीख से देख सकते हैं ये भी आपको बताएंगे। तो दोस्तों इस वीडियो को पूरा देखिएगा। इसके कास्ट के बारे में, प्रोडक्शन के बारे में, और इसमें कितनी कमाई हुई थी इसके बारे में, इसकी लागत कितनी हुई थी बनाने में फिल्म को, इसके बारे में हम इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। तो अगर आप भी पद्मावत फिल्म को देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपको सारी अपडेट मिल सके। तो दोस्तों पद्मावत एक भारतीय ऐतिहासिक फिल्म है जिसका निर्देशन जो है वो संजय लीला भंसाली ने किया है, और इसका निर्माण जो है वो भंसाली प्रोडक्शन और वॉयकॉम 18 मोशन पिक्चर्स ने किया है। फिल्म में आपको मुख्य भूमिका में लीड रोल में आपको दीपिका पादुकोण, शाहिद कपूर और रणवीर सिंह दिखेंगे। पहले यह फिल्म 1 दिसंबर 2017 को सिनेमाघरों में प्रदर्शित होने वाली थी, परंतु फिर कुछ लोगों के विरोध और सुप्रीम कोर्ट में चली कानूनी कार्रवाइयों के बाद यह फिल्म 24 जनवरी 2018 को रिलीज हुई। इसमें आपको बता दें कि इसका निर्देशक जो है वो संजय लीला भंसाली हैं, इसके निर्माता जो हैं वो वॉयकॉम 18 मोशन पिक्चर्स हैं, और भंसाली प्रोडक्शन के द्वारा इसे निर्मित किया गया है। इसी के साथ इसका लेखक जो हैं वो आपको दिखेंगे राइटर संजय लीला भंसाली, प्रकाश कपाड़िया, पटकथा जो लिखी गई है वो संजय लीला भंसाली के द्वारा, और इसमें लीड रोल में आपको अभिनेता दिखेंगे दीपिका पादुकोण, शाहिद कपूर और रणवीर कपूर। और इसी के साथ मैं आपको बता दूं कि इसमें आपको कई सारी अच्छी चीज़ों को देखने को मिलेगा। इस फिल्म को आपको
25 जनवरी 2018 को सभी सिनेमाघरों में रिलीज कर दी गई थी। और इसकी जो है वो दो भाषाओं में इसे रिलीज़ की गई थी, पहले हिंदी और दूसरी राजस्थानी। इस फिल्म की टोटल लागत जो थी वह 215 करोड़ रुपए का था। इस फिल्म को बनाने में 215 करोड़ रुपए खर्च किए गए थे अकॉर्डिंग टू विकीपीडिया। और वही कुल कारोबार इस फिल्म का ऑल ओवर वर्ल्ड वाइड जो कलेक्शन था वो 585 करोड़ रुपये के हुई थी। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। और आप अगर पद्मावती को देखना चाहते हैं नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे YouTube वीडियो की और एक नई रिव्यू में। तो दोस्तों इस वीडियो में हम जिस मूवी की रिव्यू करने वाले हैं उसका नाम है पद्मावत। जी हाँ, इस फिल्म में आपको बताएंगे कौन कौन से लीड रोल में एक्टर्स दिखेंगे, कौन कौन से हीरोइन जिस पर काम की है, इसकी कहानी क्या है, पद्मावत फिल्म को कब YouTube पर रिलीज़ किया जाएगा इसके बारे में आपको अपडेट भी देंगे, और YouTube पर आप पद्मावती को हिंदी भाषा में किस तारीख से देख सकते हैं ये भी आपको बताएंगे। तो दोस्तों इस वीडियो को पूरा देखिएगा। इसके कास्ट के बारे में, प्रोडक्शन के बारे में और इसमें कितनी कमाई हुई थी इसके बारे में, इसकी लागत कितनी हुई थी बनाने में फिल्म को, इसके बारे में हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। तो अगर आप भी पद्मावत फिल्म को देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपको सारी अपडेट मिल सके। तो दोस्तों पद्मावत एक भारतीय ऐतिहासिक फिल्म है जिसका निर्देशन जो है वो संजय लीला भंसाली ने किया है और इसका निर्माण जो है वो भंसाली प्रोडक्शन और वॉयकॉम 18 मोशन पिक्चर्स ने किया है। फिल्म में आपको मुख्य भूमिका में लीड रोल में आपको दीपिका पादुकोण, शाहिद कपूर और रणवीर सिंह दिखेंगे। पहले यह फिल्म 1 दिसंबर 2017 को सिनेमाघरों में प्रदर्शित होने वाली थी, परंतु फिर कुछ लोगों के विरोध और सुप्रीम कोर्ट में चली कानूनी कार्रवाइयों के बाद यह फिल्म 24 जनवरी 2018 को रिलीज हुई। इसमें आपको बता दें कि इसका निर्देशक जो है वो संजय लीला भंसाली हैं, इसके निर्माता जो हैं वो वॉयकॉम 18 मोशन पिक्चर्स हैं और भंसाली प्रोडक्शन के द्वारा इसे निर्मित किया गया है। इसी के साथ इसके लेखक जो हैं वो आपको दिखेंगे राइटर संजय लीला भंसाली, प्रकाश कपाड़िया। पटकथा जो लिखी गई है वो संजय लीला भंसाली के द्वारा, और इसमें लीड रोल में आपको अभिनेता दिखेंगे दीपिका पादुकोण, शाहिद कपूर और रणवीर कपूर। और इसी के साथ मैं आपको बता दूं कि इसमें आपको कई सारी अच्छी चीज़ों को देखने को मिलेगा। इस फिल्म को आपको 25 जनवरी 2018 को सभी सिनेमाघरों में रिलीज कर दी गई थी। और इसकी जो है वो दो भाषाओं में इसे रिलीज़ की गई थी, पहले हिंदी और दूसरी राजस्थानी। इस फिल्म की टोटल लागत जो थी वह 215 करोड़ रुपए का था। इस फिल्म को बनाने में 215 करोड़ रुपए खर्च किए गए थे अकॉर्डिंग टू विकीपीडिया। और वही कुल कारोबार इस फिल्म का ऑल ओवर वर्ल्ड वाइड जो कलेक्शन था वो 585 करोड़ रुपये के हुई थी। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। और आप अगर पद्मावती को देखना चाहते हैं नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे YouTube वीडियो की और एक नई रिव्यू में। तो दोस्तों इस वीडियो में हम जिस मूवी की रिव्यू करने वाले हैं उसका नाम है पद्मावत। जी हाँ, इस फिल्म में आपको बताएंगे कौन कौन से लीड रोल में एक्टर्स दिखेंगे, कौन कौन से हीरोइन जिस पर काम की है, इसकी कहानी क्या है, पद्मावत फिल्म को कब YouTube पर रिलीज़ किया जाएगा इसके बारे में आपको अपडेट भी देंगे, और YouTube पर आप पद्मावती को हिंदी भाषा में किस तारीख से देख सकते हैं ये भी आपको बताएंगे। तो दोस्तों इस वीडियो को पूरा देखिएगा। इसके कास्ट के बारे में, प्रोडक्शन के बारे में और इसमें कितनी कमाई हुई थी इसके बारे में, इसकी लागत कितनी हुई थी बनाने में फिल्म को, इसके बारे में हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। तो अगर आप भी पद्मावत फिल्म को देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपको सारी अपडेट मिल सके। तो दोस्तों पद्मावत एक भारतीय ऐतिहासिक फिल्म है जिसका निर्देशन जो है वो संजय लीला भंसाली ने किया है और इसका निर्माण जो है वो भंसाली प्रोडक्शन और वॉयकॉम 18 मोशन पिक्चर्स ने किया है। फिल्म में आपको मुख्य भूमिका में लीड रोल में आपको दीपिका पादुकोण, शाहिद कपूर और रणवीर सिंह दिखेंगे। पहले यह फिल्म 1 दिसंबर 2017 को सिनेमाघरों में प्रदर्शित होने वाली थी, परंतु फिर कुछ लोगों के विरोध और सुप्रीम कोर्ट में चली कानूनी कार्रवाइयों के बाद यह फिल्म 24 जनवरी 2018 को रिलीज हुई। इसमें आपको बता दें कि इसका निर्देशक जो है वो संजय लीला भंसाली हैं,
इसके निर्माता जो हैं वो वॉयकॉम 18 मोशन पिक्चर्स हैं और भंसाली प्रोडक्शन के द्वारा इसे निर्मित किया गया है। इसी के साथ इसके लेखक जो हैं वो आपको दिखेंगे राइटर संजय लीला भंसाली, प्रकाश कपाड़िया। पटकथा जो लिखी गई है वो संजय लीला भंसाली के द्वारा, और इसमें लीड रोल में आपको अभिनेता दिखेंगे दीपिका पादुकोण, शाहिद कपूर और रणवीर कपूर। और इसी के साथ मैं आपको बता दूं कि इसमें आपको कई सारी अच्छी चीज़ों को देखने को मिलेगा। इस फिल्म को आपको 25 जनवरी 2018 को सभी सिनेमाघरों में रिलीज कर दी गई थी, और इसकी जो है वो दो भाषाओं में इसे रिलीज़ की गई थी, पहले हिंदी और दूसरी राजस्थानी। इस फिल्म की टोटल लागत जो थी वह 215 करोड़ रुपए का था। इस फिल्म को बनाने में 215 करोड़ रुपए खर्च किए गए थे अकॉर्डिंग टू विकीपीडिया, और वही कुल कारोबार इस फिल्म का ऑल ओवर वर्ल्ड वर्ल्ड वाइड जो कलेक्शन था वो 585 करोड़ रुपए के हुई थी। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। और आप अगर पद्मावती को देखना चाहते हैं नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे YouTube वीडियो की और एक नई रिव्यू में। तो दोस्तों इस वीडियो में हम जिस मूवी की रिव्यू करने वाले हैं उसका नाम है पद्मावत। जी हाँ, इस फिल्म में आपको बताएंगे कौन कौन से लीड रोल में एक्टर्स दिखेंगे, कौन कौन से हीरोइन जिसमें काम की है, इसकी कहानी क्या है, पद्मावत फिल्म को कब YouTube पर रिलीज़ किया जाएगा इसके बारे में आपको अपडेट भी देंगे, और YouTube पर आप पद्मावती को हिंदी भाषा में किस तारीख से देख सकते हैं ये भी आपको बताएंगे। तो दोस्तों इस वीडियो को पूरा देखिएगा। इसके कास्ट के बारे में, प्रोडक्शन के बारे में, और इसमें कितनी कमाई हुई थी इसके बारे में, इसकी लागत कितनी हुई थी बनाने में फिल्म को, इसके बारे में हम इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। तो अगर आप भी पद्मावत फिल्म को देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपको सारी अपडेट मिल सके। तो दोस्तों पद्मावत एक भारतीय ऐतिहासिक फिल्म है जिसका निर्देशन जो है वो संजय लीला भंसाली ने किया है, और इसका निर्माण जो है वो भंसाली प्रोडक्शन और वॉयकॉम 18 मोशन पिक्चर्स ने किया है। फिल्म में आपको मुख्य भूमिका में लीड रोल में आपको दीपिका पादुकोण, शाहिद कपूर और रणवीर सिंह दिखेंगे। पहले यह फिल्म 1 दिसंबर 2017 को सिनेमाघरों में प्रदर्शित होने वाली थी, परंतु फिर कुछ लोगों के विरोध और सुप्रीम कोर्ट में चली कानूनी कार्रवाई के बाद यह फिल्म 24 जनवरी 2018 को रिलीज हुई। इसमें आपको बता दें कि इसका निर्देशक जो है वो संजय लीला भंसाली हैं, इसके निर्माता जो हैं वो वॉयकॉम 18 मोशन पिक्चर्स हैं और भंसाली प्रोडक्शन के द्वारा इसे निर्मित किया गया है। इसी के साथ इसके लेखक जो हैं वो आपको दिखेंगे राइटर संजय लीला भंसाली, प्रकाश कपाड़िया। पटकथा जो लिखी गई है वो संजय लीला भंसाली के द्वारा, और इसमें लीड रोल में आपको अभिनेता दिखेंगे दीपिका पादुकोण, शाहिद कपूर और रणवीर कपूर। और इसी के साथ मैं आपको बता दूं कि इसमें आपको कई सारी अच्छी चीज़ों को देखने को मिलेगा। इस फिल्म को आपको 25 जनवरी 2018 को सभी सिनेमाघरों में रिलीज कर दी गई थी, और इसकी जो है वो दो भाषाओं में इसे रिलीज़ की गई थी, पहले हिंदी और दूसरी राजस्थानी। इस फिल्म की टोटल लागत जो थी वह 215 करोड़ रुपए का था। इस फिल्म को बनाने में 215 करोड़ रुपए खर्च किए गए थे अकॉर्डिंग टू विकीपीडिया, और वही कुल कारोबार इस फिल्म का ऑल ओवर वर्ल्ड वर्ल्ड वाइड जो कलेक्शन था वो 585 करोड़ रुपए के हुई थी। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। और आप अगर पद्मावती को देखना चाहते हैं नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे YouTube वीडियो की और एक नई रिव्यू में। तो दोस्तों इस वीडियो में हम जिस मूवी की रिव्यू करने वाले हैं उसका नाम है पद्मावत। जी हाँ, इस फिल्म में आपको बताएंगे कौन कौन से लीड रोल में एक्टर्स दिखेंगे, कौन कौन से हीरोइन जिसमें काम की है, इसकी कहानी क्या है, पद्मावत फिल्म को कब YouTube पर रिलीज़ किया जाएगा इसके बारे में आपको अपडेट भी देंगे, और YouTube पर आप पद्मावती को हिंदी भाषा में किस तारीख से देख सकते हैं ये भी आपको बताएंगे। तो दोस्तों इस वीडियो को पूरा देखिएगा। इसके कास्ट के बारे में, प्रोडक्शन के बारे में, और इसमें कितनी कमाई हुई थी इसके बारे में, इसकी लागत कितनी हुई थी बनाने में फिल्म को, इसके बारे में हम इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। तो अगर आप भी पद्मावत फिल्म को देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपको सारी अपडेट मिल सके। तो दोस्तों पद्मावत एक भारतीय ऐतिहासिक फिल्म है जिसका निर्देशन जो है वो संजय लीला भंसाली ने किया है, और इसका निर्माण जो है वो भंसाली प्रोडक्शन और वॉयकॉम 18 मोशन पिक्चर्स ने किया है।
फिल्म में आपको मुख्य भूमिका में लीड रोल में आपको दीपिका पादुकोण, शाहिद कपूर और रणवीर सिंह दिखेंगे। पहले यह फिल्म 1 दिसंबर 2017 को सिनेमाघरों में प्रदर्शित होने वाली थी, परंतु फिर कुछ लोगों के विरोध और सुप्रीम कोर्ट में चली कानूनी कार्रवाइयों के बाद यह फिल्म 24 जनवरी 2018 को रिलीज हुई। इसमें आपको बता दें कि इसका निर्देशक जो है वो संजय लीला भंसाली हैं, इसके निर्माता जो हैं वो वॉयकॉम 18 मोशन पिक्चर्स हैं और भंसाली प्रोडक्शन के द्वारा इसे निर्मित किया गया है। इसी के साथ इसका लेखक जो हैं वो आपको दिखेंगे राइटर संजय लीला भंसाली, प्रकाश कपाड़िया, पटकथा जो लिखी गई है वो संजय लीला भंसाली के द्वारा, और इसमें लीड रोल में आपको अभिनेता दिखेंगे दीपिका पादुकोण, शाहिद कपूर और रणवीर कपूर। और इसी के साथ मैं आपको बता दूं कि इसमें आपको कई सारी अच्छी चीज़ों को देखने को मिलेगा। इस फिल्म को आपको 25 जनवरी 2018 को सभी सिनेमाघरों में रिलीज कर दी गई थी, और इसकी जो है वो दो भाषाओं में इसे रिलीज़ की गई थी, पहले हिंदी और दूसरी राजस्थानी। इस फिल्म की टोटल लागत थी वह 215 करोड़ रुपए का था। इस फिल्म को बनाने में 215 करोड़ रुपए खर्च किए गए थे अकॉर्डिंग टू विकीपीडिया, और वही कुल कारोबार इस फिल्म का ऑल ओवर वर्ल्ड वाइड जो कलेक्शन था वो 585 करोड़ रुपए के हुई थी। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। और आप अगर पद्मावती को देखना चाहते हैं नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे YouTube वीडियो की और एक नई रिव्यू में। तो दोस्तों इस वीडियो में हम जिस मूवी की रिव्यू करने वाले हैं उसका नाम है पद्मावत। जी हाँ, इस फिल्म में आपको बताएंगे कौन कौन से लीड रोल में एक्टर्स दिखेंगे, कौन कौन से हीरोइन जिसमें काम की है, इसकी कहानी क्या है, पद्मावत फिल्म को कब यूट्यूब पर रिलीज़ किया जाएगा इसके बारे में आपको अपडेट भी देंगे, और यूट्यूब पर आप पद्मावती को हिंदी भाषा में किस तारीख से देख सकते हैं ये भी आपको बताएंगे। तो दोस्तों इस वीडियो को पूरा देखिएगा। इसके कास्ट के बारे में, प्रोडक्शन के बारे में, और इसमें कितनी कमाई हुई थी इसके बारे में, इसकी लागत कितनी हुई थी बनाने में फिल्म को, इसके बारे में हम इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। तो अगर आप भी पद्मावत फिल्म को देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपको सारी अपडेट मिल सके। तो दोस्तों पद्मावत एक भारतीय ऐतिहासिक फिल्म है जिसका निर्देशन जो है वो संजय लीला भंसाली ने किया है, और इसका निर्माण जो है वो भंसाली प्रोडक्शन और वॉयकॉम 18 मोशन पिक्चर्स ने किया है। फिल्म में आपको मुख्य भूमिका में लीड रोल में आपको दीपिका पादुकोण, शाहिद कपूर और रणवीर सिंह दिखेंगे। पहले यह फिल्म 1 दिसंबर 2017 को सिनेमाघरों में प्रदर्शित होने वाली थी, परंतु फिर कुछ लोगों के विरोध और सुप्रीम कोर्ट में चली कानूनी कार्रवाइयों के बाद यह फिल्म 24 जनवरी 2018 को रिलीज हुई। इसमें आपको बता दें कि इसका निर्देशक जो है वो संजय लीला भंसाली हैं, इसके निर्माता जो हैं वो वॉयकॉम 18 मोशन पिक्चर्स हैं और भंसाली प्रोडक्शन के द्वारा इसे निर्मित किया गया है। इसी के साथ इसका लेखक जो हैं वो आपको दिखेंगे राइटर संजय लीला भंसाली, प्रकाश कपाड़िया, पटकथा जो लिखी गई है वो संजय लीला भंसाली के द्वारा, और इसमें लीड रोल में आपको अभिनेता दिखेंगे दीपिका पादुकोण, शाहिद कपूर और रणवीर कपूर। और इसी के साथ मैं आपको बता दूं कि इसमें आपको कई सारी अच्छी चीज़ों को देखने को मिलेगा। इस फिल्म को आपको 25 जनवरी 2018 को सभी सिनेमाघरों में रिलीज कर दी गई थी, और इसकी जो है वो दो भाषाओं में इसे रिलीज़ की गई थी, पहले हिंदी और दूसरी राजस्थानी। इस फिल्म की टोटल लागत थी वह 215 करोड़ रुपए का था। इस फिल्म को बनाने में 215 करोड़ रुपए खर्च किए गए थे अकॉर्डिंग टू विकीपीडिया, और वही कुल कारोबार इस फिल्म का ऑल ओवर वर्ल्ड वाइड जो कलेक्शन था वो 585 करोड़ रुपए के हुई थी। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। और आप अगर पद्मावती को देखना चाहते हैं नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे YouTube वीडियो की और एक नई रिव्यू में। तो दोस्तों इस वीडियो में हम जिस मूवी की रिव्यू करने वाले हैं उसका नाम है पद्मावत। जी हाँ, इस फिल्म में आपको बताएंगे कौन कौन से लीड रोल में एक्टर्स दिखेंगे, कौन कौन से हीरोइन जिसमें काम की है, इसकी कहानी क्या है, पद्मावत फिल्म को कब यूट्यूब पर रिलीज़ किया जाएगा इसके बारे में आपको अपडेट भी देंगे, और यूट्यूब पर आप पद्मावती को हिंदी भाषा में
किस तारीख से देख सकते हैं ये भी आपको बताएंगे। तो दोस्तों इस वीडियो को पूरा देखिएगा, इसके कास्ट के बारे में, प्रोडक्शन के बारे में, और इसमें कितनी कमाई हुई थी इसके बारे में, इसकी लागत कितनी हुई थी बनाने में फिल्म को, इसके बारे में हम इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। तो अगर आप भी पद्मावत फिल्म को देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपको सारी अपडेट मिल सके। तो दोस्तों पद्मावत एक भारतीय ऐतिहासिक फिल्म है जिसका निर्देशन जो है वो संजय लीला भंसाली ने किया है, और इसका निर्माण जो है वो भंसाली प्रोडक्शन और वॉयकॉम 18 मोशन पिक्चर्स ने किया है। फिल्म में आपको मुख्य भूमिका में लीड रोल में आपको दीपिका पादुकोण, शाहिद कपूर और रणवीर सिंह दिखेंगे। पहले यह फिल्म 1 दिसंबर 2017 को सिनेमाघरों में प्रदर्शित होने वाली थी, परंतु फिर कुछ लोगों के विरोध और सुप्रीम कोर्ट में चली कानूनी कार्रवाइयों के बाद यह फिल्म 24 जनवरी 2018 को रिलीज हुई। इसमें आपको बता दें कि इसका निर्देशक जो है वो संजय लीला भंसाली हैं, इसके निर्माता जो हैं वो वॉयकॉम 18 मोशन पिक्चर्स हैं और भंसाली प्रोडक्शन के द्वारा इसे निर्मित किया गया है। इसी के साथ इसके लेखक जो हैं वो आपको दिखेंगे राइटर संजय लीला भंसाली, प्रकाश कपाड़िया, पटकथा जो लिखी गई है वो संजय लीला भंसाली के द्वारा, और इसमें लीड रोल में आपको अभिनेता दिखेंगे दीपिका पादुकोण, शाहिद कपूर और रणवीर कपूर। और इसी के साथ मैं आपको बता दूं कि इसमें आपको कई सारी अच्छी चीज़ों को देखने को मिलेगा। इस फिल्म को आपको 25 जनवरी 2018 को सभी सिनेमाघरों में रिलीज कर दी गई थी, और इसकी जो है वो दो भाषाओं में इसे रिलीज़ की गई थी, पहले हिंदी और दूसरी राजस्थानी। इस फिल्म की टोटल लागत जो थी वह 215 करोड़ रुपए का था। इस फिल्म को बनाने में 215 करोड़ रुपए खर्च किए गए थे अकॉर्डिंग टू विकीपीडिया, और वही कुल कारोबार इस फिल्म का ऑल ओवर वर्ल्ड वाइड जो कलेक्शन था वो 585 करोड़ रुपये के हुई थी। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। और आप अगर पद्मावती को देखना चाहते हैं नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे YouTube वीडियो की और एक नई रिव्यू में। तो दोस्तों इस वीडियो में हम जिस मूवी की रिव्यू करने वाले हैं उसका नाम है पद्मावत। जी हाँ, इस फिल्म में आपको बताएंगे कौन कौन से लीड रोल में एक्टर्स दिखेंगे, कौन कौन से हीरोइन जिस पे काम की है, इसकी कहानी क्या है, पद्मावत फिल्म को कब YouTube पर रिलीज़ किया जाएगा इसके बारे में आपको अपडेट भी देंगे, और YouTube पर आप पद्मावती को हिंदी भाषा में किस तारीख से देख सकते हैं ये भी आपको बताएंगे। तो दोस्तों इस वीडियो को पूरा देखिएगा, इसके कास्ट के बारे में, प्रोडक्शन के बारे में, और इसमें कितनी कमाई हुई थी इसके बारे में, इसकी लागत कितनी हुई थी बनाने में फिल्म को, इसके बारे में हम इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। तो अगर आप भी पद्मावत फिल्म को देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपको सारी अपडेट मिल सके। तो दोस्तों पद्मावत एक भारतीय ऐतिहासिक फिल्म है जिसका निर्देशन जो है वो संजय लीला भंसाली ने किया है, और इसका निर्माण जो है वो भंसाली प्रोडक्शन और वॉयकॉम 18 मोशन पिक्चर्स ने किया है। फिल्म में आपको मुख्य भूमिका में लीड रोल में आपको दीपिका पादुकोण, शाहिद कपूर और रणवीर सिंह दिखेंगे। पहले यह फिल्म 1 दिसंबर 2017 को सिनेमाघरों में प्रदर्शित होने वाली थी, परंतु फिर कुछ लोगों के विरोध और सुप्रीम कोर्ट में चली कानूनी कार्रवाइयों के बाद यह फिल्म 24 जनवरी 2018 को रिलीज हुई। इसमें आपको बता दें कि इसका निर्देशक जो है वो संजय लीला भंसाली हैं, इसके निर्माता जो हैं वो वॉयकॉम 18 मोशन पिक्चर्स हैं और भंसाली प्रोडक्शन के द्वारा इसे निर्मित किया गया है। इसी के साथ इसके लेखक जो हैं वो आपको दिखेंगे राइटर संजय लीला भंसाली, प्रकाश कपाड़िया, पटकथा जो लिखी गई है वो संजय लीला भंसाली के द्वारा, और इसमें लीड रोल में आपको अभिनेता दिखेंगे दीपिका पादुकोण, शाहिद कपूर और रणवीर कपूर। और इसी के साथ मैं आपको बता दूं कि इसमें आपको कई सारी अच्छी चीज़ों को देखने को मिलेगा। इस फिल्म को आपको 25 जनवरी 2018 को सभी सिनेमाघरों में रिलीज कर दी गई थी, और इसकी जो है वो दो भाषाओं में इसे रिलीज़ की गई थी, पहले हिंदी और दूसरी राजस्थानी। इस फिल्म की टोटल लागत जो थी वह 215 करोड़ रुपये का था। इस फिल्म को बनाने में 215 करोड़ रुपये खर्च किए गए थे अकॉर्डिंग टू विकीपीडिया, और वही कुल कारोबार इस फिल्म का ऑल ओवर वर्ल्ड वाइड जो कलेक्शन था वो 585 करोड़ रुपये के हुई थी। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। और आप अगर पद्मावती को देखना चाहते हैं नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे YouTube वीडियो की और एक नई रिव्यू में।
तो दोस्तों, इस वीडियो में हम जिस मूवी की रिव्यू करने वाले हैं उसका नाम है पद्मावत। जी हाँ, इस फिल्म में आपको बताएंगे कौन कौन से लीड रोल में एक्टर्स दिखेंगे, कौन कौन से हीरोइन जिसमें काम की है, इसकी कहानी क्या है, पद्मावत फिल्म को कब YouTube पर रिलीज़ किया जाएगा इसके बारे में आपको अपडेट भी देंगे, और YouTube पर आप पद्मावती को हिंदी भाषा में किस तारीख से देख सकते हैं ये भी आपको बताएंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो को पूरा देखिएगा। इसके कास्ट के बारे में, प्रोडक्शन के बारे में, और इसमें कितनी कमाई हुई थी इसके बारे में, इसकी लागत कितनी हुई थी बनाने में फ़िल्म को, इसके बारे में हम इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। तो अगर आप भी पद्मावत फिल्म को देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपको सारी अपडेट मिल सके। तो दोस्तों, पद्मावत एक भारतीय ऐतिहासिक फिल्म है जिसका निर्देशन जो है वो संजय लीला भंसाली ने किया है, और इसका निर्माण जो है वो भंसाली प्रोडक्शन और वॉयकॉम 18 मोशन पिक्चर्स ने किया है। फिल्म में आपको मुख्य भूमिका में लीड रोल में आपको दीपिका पादुकोण, शाहिद कपूर और रणवीर सिंह दिखेंगे। पहले यह फिल्म 1 दिसंबर 2017 को सिनेमाघरों में प्रदर्शित होने वाली थी, परंतु फिर कुछ लोगों के विरोध और सुप्रीम कोर्ट में चली कानूनी कार्रवाइयों के बाद यह फिल्म 24 जनवरी 2018 को रिलीज हुई। इसमें आपको बता दें कि इसका निर्देशक जो है वो संजय लीला भंसाली हैं, इसके निर्माता जो हैं वो वॉयकॉम 18 मोशन पिक्चर्स हैं, और भंसाली प्रोडक्शन के द्वारा इसे निर्मित किया गया है। इसी के साथ इसका लेखक जो हैं वो आपको दिखेंगे राइटर संजय लीला भंसाली, प्रकाश कपाड़िया। पटकथा जो लिखी गई है वो संजय लीला भंसाली के द्वारा, और इसमें लीड रोल में आपको अभिनेता दिखेंगे दीपिका पादुकोण, शाहिद कपूर और रणवीर कपूर। और इसी के साथ मैं आपको बता दूं कि इसमें आपको कई सारी अच्छी चीज़ों को देखने को मिलेगा। इस फिल्म को आपको 25 जनवरी 2018 को सभी सिनेमाघरों में रिलीज कर दी गई थी, और इसकी जो है वो दो भाषाओं में इसे रिलीज की गई थी, पहले हिंदी और दूसरी राजस्थानी। इस फिल्म की टोटल लागत जो थी वह 215 करोड़ रुपए का था। इस फिल्म को बनाने में 215 करोड़ रुपए खर्च किए गए थे, अकॉर्डिंग टू विकीपीडिया। और वही कुल कारोबार इस फिल्म का ऑल ओवर वर्ल्ड वाइड जो कलेक्शन था वो 585 करोड़ रुपए के हुई थी। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। और आप अगर पद्मावती को देखना चाहते हैं नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे YouTube वीडियो की और एक नई रिव्यू में। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम जिस मूवी की रिव्यू करने वाले हैं उसका नाम है पद्मावत। जी हाँ, इस फिल्म में आपको बताएंगे कौन कौन से लीड रोल में एक्टर्स दिखेंगे, कौन कौन से हीरोइन जिसमें काम की है, इसकी कहानी क्या है, पद्मावत फिल्म को कब YouTube पर रिलीज़ किया जाएगा इसके बारे में आपको अपडेट भी देंगे, और YouTube पर आप पद्मावती को हिंदी भाषा में किस तारीख से देख सकते हैं ये भी आपको बताएंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो को पूरा देखिएगा। इसके कास्ट के बारे में, प्रोडक्शन के बारे में, और इसमें कितनी कमाई हुई थी इसके बारे में, इसकी लागत कितनी हुई थी बनाने में फ़िल्म को, इसके बारे में हम इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। तो अगर आप भी पद्मावत फिल्म को देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपको सारी अपडेट मिल सके। तो दोस्तों, पद्मावत एक भारतीय ऐतिहासिक फिल्म है जिसका निर्देशन जो है वो संजय लीला भंसाली ने किया है, और इसका निर्माण जो है वो भंसाली प्रोडक्शन और वॉयकॉम 18 मोशन पिक्चर्स ने किया है। फिल्म में आपको मुख्य भूमिका में लीड रोल में आपको दीपिका पादुकोण, शाहिद कपूर और रणवीर सिंह दिखेंगे। पहले यह फिल्म 1 दिसंबर 2017 को सिनेमाघरों में प्रदर्शित होने वाली थी, परंतु फिर कुछ लोगों के विरोध और सुप्रीम कोर्ट में चली कानूनी कार्रवाइयों के बाद यह फिल्म 24 जनवरी 2018 को रिलीज हुई। इसमें आपको बता दें कि इसका निर्देशक जो है वो संजय लीला भंसाली हैं, इसके निर्माता जो हैं वो वॉयकॉम 18 मोशन पिक्चर्स हैं, और भंसाली प्रोडक्शन के द्वारा इसे निर्मित किया गया है। इसी के साथ इसका लेखक जो हैं वो आपको दिखेंगे राइटर संजय लीला भंसाली, प्रकाश कपाड़िया। पटकथा जो लिखी गई है वो संजय लीला भंसाली के द्वारा, और इसमें लीड रोल में आपको अभिनेता दिखेंगे दीपिका पादुकोण, शाहिद कपूर और रणवीर कपूर। और इसी के साथ मैं आपको बता दूं कि इसमें आपको कई सारी अच्छी चीज़ों को देखने को मिलेगा। इस फिल्म को आपको 25 जनवरी 2018 को सभी सिनेमाघरों में रिलीज कर दी गई थी, और इसकी जो है वो दो भाषाओं में इसे रिलीज़ की गई थी, पहले हिंदी और दूसरी राजस्थानी। इस फिल्म की टोटल लागत जो थी वह 215 करोड़ रुपए का था। इस फिल्म को बनाने में 215 करोड़ रुपए खर्च किए गए थे, अकॉर्डिंग टू विकीपीडिया। और वही कुल कारोबार इस फिल्म का ऑल ओवर वर्ल्ड वाइड जो कलेक्शन था वो 585 करोड़ रुपए के हुई थी।
तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। और आप अगर पद्मावती को देखना चाहते हैं नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे YouTube वीडियो की और एक नई रिव्यू में। तो दोस्तों इस वीडियो में हम जिस मूवी की रिव्यू करने वाले हैं उसका नाम है पद्मावत। जी हाँ, इस फिल्म में आपको बताएंगे कौन कौन से लीड रोल में एक्टर्स दिखेंगे, कौन कौन से हीरोइन जिसमें काम की है, इसकी कहानी क्या है, पद्मावत फिल्म को कब यूट्यूब पर रिलीज़ किया जाएगा इसके बारे में आपको अपडेट भी देंगे, और यूट्यूब पर आप पद्मावती को हिंदी भाषा में किस तारीख से देख सकते हैं ये भी आपको बताएंगे। तो दोस्तों इस वीडियो को पूरा देखिएगा। इसके कास्ट के बारे में, प्रोडक्शन के बारे में, और इसमें कितनी कमाई हुई थी इसके बारे में, इसकी लागत कितनी हुई थी बनाने में फिल्म को, इसके बारे में हम इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। तो अगर आप भी पद्मावत फिल्म को देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपको सारी अपडेट मिल सके। तो दोस्तों पद्मावत एक भारतीय ऐतिहासिक फिल्म है जिसका निर्देशन जो है वो संजय लीला भंसाली ने किया है, और इसका निर्माण जो है वो भंसाली प्रोडक्शन और वॉयकॉम 18 मोशन पिक्चर्स ने किया है। फिल्म में आपको मुख्य भूमिका में लीड रोल में आपको दीपिका पादुकोण, शाहिद कपूर और रणवीर सिंह दिखेंगे। पहले यह फिल्म 1 दिसंबर 2017 को सिनेमाघरों में प्रदर्शित होने वाली थी, परंतु फिर कुछ लोगों के विरोध और सुप्रीम कोर्ट में चली कानूनी कार्रवाइयों के बाद यह फिल्म 24 जनवरी 2018 को रिलीज हुई। इसमें आपको बता दें कि इसका निर्देशक जो है वो संजय लीला भंसाली हैं, इसके निर्माता जो हैं वो वॉयकॉम 18 मोशन पिक्चर्स हैं, और भंसाली प्रोडक्शन के द्वारा इसे निर्मित किया गया है। इसी के साथ इसका लेखक जो हैं वो आपको दिखेंगे राइटर संजय लीला भंसाली, प्रकाश कपाड़िया, पटकथा जो लिखी गई है वो संजय लीला भंसाली के द्वारा, और इसमें लीड रोल में आपको अभिनेता दिखेंगे दीपिका पादुकोण, शाहिद कपूर और रणवीर कपूर। और इसी के साथ मैं आपको बता दूं कि इसमें आपको कई सारी अच्छी चीज़ों को देखने को मिलेगा। इस फिल्म को आपको 25 जनवरी 2018 को सभी सिनेमाघरों में रिलीज कर दी गई थी, और इसकी जो है वो दो भाषाओं में इसे रिलीज़ की गई थी, पहले हिंदी और दूसरी राजस्थानी। इस फिल्म की टोटल लागत जो थी वह 215 करोड़ रुपए का था। इस फिल्म को बनाने में 215 करोड़ रुपए खर्च किए गए थे अकॉर्डिंग टू विकीपीडिया, और वही कुल कारोबार इस फिल्म का ऑल ओवर वर्ल्ड वाइड जो कलेक्शन था वो 585 करोड़ रुपए के हुई थी। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। और आप अगर पद्मावती को देखना चाहते हैं नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे YouTube वीडियो की और एक नई रिव्यू में। तो दोस्तों इस वीडियो में हम जिस मूवी की रिव्यू करने वाले हैं उसका नाम है पद्मावत। जी हाँ, इस फिल्म में आपको बताएंगे कौन कौन से लीड रोल में एक्टर्स दिखेंगे, कौन कौन से हीरोइन जिसमें काम की है, इसकी कहानी क्या है, पद्मावत फिल्म को कब यूट्यूब पर रिलीज़ किया जाएगा इसके बारे में आपको अपडेट भी देंगे, और यूट्यूब पर आप पद्मावती को हिंदी भाषा में किस तारीख से देख सकते हैं ये भी आपको बताएंगे। तो दोस्तों इस वीडियो को पूरा देखिएगा। इसके कास्ट के बारे में, प्रोडक्शन के बारे में, और इसमें कितनी कमाई हुई थी इसके बारे में, इसकी लागत कितनी हुई थी बनाने में फिल्म को, इसके बारे में हम इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। तो अगर आप भी पद्मावत फिल्म को देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपको सारी अपडेट मिल सके। तो दोस्तों पद्मावत एक भारतीय ऐतिहासिक फिल्म है जिसका निर्देशन जो है वो संजय लीला भंसाली ने किया है, और इसका निर्माण जो है वो भंसाली प्रोडक्शन और वॉयकॉम 18 मोशन पिक्चर्स ने किया है। फिल्म में आपको मुख्य भूमिका में लीड रोल में आपको दीपिका पादुकोण, शाहिद कपूर और रणवीर सिंह दिखेंगे। पहले यह फिल्म 1 दिसंबर 2017 को सिनेमाघरों में प्रदर्शित होने वाली थी, परंतु फिर कुछ लोगों के विरोध और सुप्रीम कोर्ट में चली कानूनी कार्रवाइयों के बाद यह फिल्म 24 जनवरी 2018 को रिलीज हुई। इसमें आपको बता दें कि इसका निर्देशक जो है वो संजय लीला भंसाली हैं, इसके निर्माता जो हैं वो वॉयकॉम 18 मोशन पिक्चर्स हैं, और भंसाली प्रोडक्शन के द्वारा इसे निर्मित किया गया है। इसी के साथ इसका लेखक जो हैं वो आपको दिखेंगे राइटर संजय लीला भंसाली, प्रकाश कपाड़िया, पटकथा जो लिखी गई है वो संजय लीला भंसाली के द्वारा, और इसमें लीड रोल में आपको अभिनेता दिखेंगे दीपिका पादुकोण, शाहिद कपूर और रणवीर कपूर। और इसी के साथ मैं आपको बता दूं कि इसमें आपको कई सारी अच्छी चीज़ों को देखने को मिलेगा। इस फिल्म को आपको 25 जनवरी 2018 को सभी सिनेमाघरों में रिलीज़ कर दी गई थी,
और इसके जो है वो दो भाषाओं में इसे रिलीज़ की गई थी, पहले हिंदी और दूसरी राजस्थानी। इस फिल्म की टोटल लागत जो थी वह 215 करोड़ रुपए का था। इस फिल्म को बनाने में 215 करोड़ रुपए खर्च किए गए थे अकॉर्डिंग टू विकीपीडिया। और वही कुल कारोबार इस फिल्म का ऑल ओवर वर्ल्ड वर्ल्ड वाइड जो कलेक्शन था वो 585 करोड़ रुपए के हुई थी। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। और आप अगर पद्मावती को देखना चाहते हैं नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे YouTube वीडियो की और एक नई रिव्यू में। तो दोस्तों इस वीडियो में हम जिस मूवी की रिव्यू करने वाले हैं उसका नाम है पद्मावत। जी हाँ, इस फिल्म में आपको बताएंगे कौन कौन से लीड रोल में एक्टर्स दिखेंगे, कौन कौन से हीरोइन जिसमें काम की है, इसकी कहानी क्या है, पद्मावत फिल्म को कब YouTube पर रिलीज़ किया जाएगा इसके बारे में आपको अपडेट भी देंगे, और YouTube पर आप पद्मावती को हिंदी भाषा में किस तारीख से देख सकते हैं ये भी आपको बताएंगे। तो दोस्तों इस वीडियो को पूरा देखिएगा। इसके कास्ट के बारे में, प्रोडक्शन के बारे में, और इसमें कितनी कमाई हुई थी इसके बारे में, इसकी लागत कितनी हुई थी बनाने में फिल्म को, इसके बारे में हम इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। तो अगर आप भी पद्मावत फिल्म को देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपको सारी अपडेट मिल सके। तो दोस्तों पद्मावत एक भारतीय ऐतिहासिक फिल्म है जिसका निर्देशन जो है वो संजय लीला भंसाली ने किया है, और इसका निर्माण जो है वो भंसाली प्रोडक्शन और वॉयकॉम 18 मोशन पिक्चर्स ने किया है। फिल्म में आपको मुख्य भूमिका में लीड रोल में आपको दीपिका पादुकोण, शाहिद कपूर और रणवीर सिंह दिखेंगे। पहले यह फिल्म 1 दिसंबर 2017 को सिनेमाघरों में प्रदर्शित होने वाली थी, परंतु फिर कुछ लोगों के विरोध और सुप्रीम कोर्ट में चली कानूनी कार्रवाइयों के बाद यह फिल्म 24 जनवरी 2018 को रिलीज हुई। इसमें आपको बता दें कि इसका निर्देशक जो है वो संजय लीला भंसाली हैं, इसके निर्माता जो हैं वो वॉयकॉम 18 मोशन पिक्चर्स हैं और भंसाली प्रोडक्शन के द्वारा इसे निर्मित किया गया है। इसी के साथ इसका लेखक जो हैं वो आपको दिखेंगे राइटर संजय लीला भंसाली, प्रकाश कपाड़िया। पटकथा जो लिखी गई है वो संजय लीला भंसाली के द्वारा, और इसमें लीड रोल में आपको अभिनेता दिखेंगे दीपिका पादुकोण, शाहिद कपूर और रणवीर कपूर। और इसी के साथ मैं आपको बता दूं कि इसमें आपको कई सारी अच्छी चीज़ों को देखने को मिलेगा। इस फिल्म को आपको 25 जनवरी 2018 को सभी सिनेमाघरों में रिलीज कर दी गई थी, और इसके जो है वो दो भाषाओं में इसे रिलीज़ की गई थी, पहले हिंदी और दूसरी राजस्थानी। इस फिल्म की टोटल लागत जो थी वह 215 करोड़ रुपए का था। इस फिल्म को बनाने में 215 करोड़ रुपए खर्च किए गए थे अकॉर्डिंग टू विकीपीडिया। और वही कुल कारोबार इस फिल्म का ऑल ओवर वर्ल्ड वर्ल्ड वाइड जो कलेक्शन था वो 585 करोड़ रुपए के हुई थी। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। और आप अगर पद्मावती को देखना चाहते हैं नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे YouTube वीडियो की और एक नई रिव्यू में। तो दोस्तों इस वीडियो में हम जिस मूवी की रिव्यू करने वाले हैं उसका नाम है पद्मावत। जी हाँ, इस फिल्म में आपको बताएंगे कौन कौन से लीड रोल में एक्टर्स दिखेंगे, कौन कौन से हीरोइन जिसमें काम की है, इसकी कहानी क्या है, पद्मावत फिल्म को कब YouTube पर रिलीज़ किया जाएगा इसके बारे में आपको अपडेट भी देंगे, और YouTube पर आप पद्मावती को हिंदी भाषा में किस तारीख से देख सकते हैं ये भी आपको बताएंगे। तो दोस्तों इस वीडियो को पूरा देखिएगा। इसके कास्ट के बारे में, प्रोडक्शन के बारे में, और इसमें कितनी कमाई हुई थी इसके बारे में, इसकी लागत कितनी हुई थी बनाने में फिल्म को, इसके बारे में हम इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। तो अगर आप भी पद्मावत फिल्म को देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपको सारी अपडेट मिल सके। तो दोस्तों पद्मावत एक भारतीय ऐतिहासिक फिल्म है जिसका निर्देशन जो है वो संजय लीला भंसाली ने किया है, और इसका निर्माण जो है वो भंसाली प्रोडक्शन और वॉयकॉम 18 मोशन पिक्चर्स ने किया है। फिल्म में आपको मुख्य भूमिका में लीड रोल में आपको दीपिका पादुकोण, शाहिद कपूर और रणवीर सिंह दिखेंगे। पहले यह फिल्म 1 दिसंबर 2017 को सिनेमाघरों में प्रदर्शित होने वाली थी, परंतु फिर कुछ लोगों के विरोध और सुप्रीम कोर्ट में चली कानूनी कार्रवाइयों के बाद यह फिल्म 24 जनवरी 2018 को रिलीज हुई। इसमें आपको बता दें कि इसका निर्देशक जो है वो संजय लीला भंसाली हैं, इसके निर्माता जो हैं वो वॉयकॉम 18 मोशन पिक्चर्स हैं और भंसाली प्रोडक्शन के द्वारा इसे निर्मित किया गया है।
इसी के साथ इसका लेखक जो हैं वो आपको दिखेंगे राइटर संजय लीला भंसाली, प्रकाश कपाड़िया। पटकथा जो लिखी गई है वो संजय लीला भंसाली के द्वारा, और इसमें लीड रोल में आपको अभिनेता दिखेंगे दीपिका पादुकोण, शाहिद कपूर और रणवीर कपूर। और इसी के साथ मैं आपको बता दूं कि इसमें आपको कई सारी अच्छी चीज़ों को देखने को मिलेगा। इस फिल्म को आपको 25 जनवरी 2018 को सभी सिनेमाघरों में रिलीज कर दी गई थी, और इसके जो है वो दो भाषाओं में इसे रिलीज़ की गई थी, पहले हिंदी और दूसरी राजस्थानी। इस फिल्म की टोटल लागत जो थी वह 215 करोड़ रुपए का था। इस फिल्म को बनाने में 215 करोड़ रुपए खर्च किए गए थे अकॉर्डिंग टू विकीपीडिया, और वही कुल कारोबार इस फिल्म का ऑल ओवर वर्ल्ड वर्ल्ड वाइड जो कलेक्शन था वो 585 करोड़ रुपये के हुई थी। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। और आप अगर पद्मावती को देखना चाहते हैं नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे YouTube वीडियो की और एक नई रिव्यू में। तो दोस्तों इस वीडियो में हम जिस मूवी की रिव्यू करने वाले हैं उसका नाम है पद्मावत। जी हाँ, इस फिल्म में आपको बताएंगे कौन कौन से लीड रोल में एक्टर्स दिखेंगे, कौन कौन से हीरोइन जिसमें काम की है, इसकी कहानी क्या है, पद्मावत फिल्म को कब YouTube पर रिलीज़ किया जाएगा इसके बारे में आपको अपडेट भी देंगे, और YouTube पर आप पद्मावती को हिंदी भाषा में किस तारीख से देख सकते हैं ये भी आपको बताएंगे। तो दोस्तों इस वीडियो को पूरा देखिएगा। इसके कास्ट के बारे में, प्रोडक्शन के बारे में, और इसमें कितनी कमाई हुई थी इसके बारे में, इसकी लागत कितनी हुई थी बनाने में फिल्म को, इसके बारे में हम इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। तो अगर आप भी पद्मावत फिल्म को देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपको सारी अपडेट मिल सके। तो दोस्तों पद्मावत एक भारतीय ऐतिहासिक फिल्म है जिसका निर्देशन जो है वो संजय लीला भंसाली ने किया है, और इसका निर्माण जो है वो भंसाली प्रोडक्शन और वॉयकॉम 18 मोशन पिक्चर्स ने किया है। फिल्म में आपको मुख्य भूमिका में लीड रोल में आपको दीपिका पादुकोण, शाहिद कपूर और रणवीर सिंह दिखेंगे। पहले यह फिल्म 1 दिसंबर 2017 को सिनेमाघरों में प्रदर्शित होने वाली थी, परंतु फिर कुछ लोगों के विरोध और सुप्रीम कोर्ट में चली कानूनी कार्रवाइयों के बाद यह फिल्म 24 जनवरी 2018 को रिलीज हुई। इसमें आपको बता दें कि इसका निर्देशक जो है वो संजय लीला भंसाली हैं, इसके निर्माता जो हैं वो वॉयकॉम 18 मोशन पिक्चर्स हैं, और भंसाली प्रोडक्शन के द्वारा इसे निर्मित किया गया है। इसी के साथ इसका लेखक जो हैं वो आपको दिखेंगे राइटर संजय लीला भंसाली, प्रकाश कपाड़िया। पटकथा जो लिखी गई है वो संजय लीला भंसाली के द्वारा, और इसमें लीड रोल में आपको अभिनेता दिखेंगे दीपिका पादुकोण, शाहिद कपूर और रणवीर कपूर। और इसी के साथ मैं आपको बता दूं कि इसमें आपको कई सारी अच्छी चीज़ों को देखने को मिलेगा। इस फिल्म को आपको 25 जनवरी 2018 को सभी सिनेमाघरों में रिलीज कर दी गई थी, और इसके जो है वो दो भाषाओं में इसे रिलीज़ की गई थी, पहले हिंदी और दूसरी राजस्थानी। इस फिल्म की टोटल लागत जो थी वह 215 करोड़ रुपए का था। इस फिल्म को बनाने में 215 करोड़ रुपए खर्च किए गए थे अकॉर्डिंग टू विकीपीडिया, और वही कुल कारोबार इस फिल्म का ऑल ओवर वर्ल्ड वर्ल्ड वाइड जो कलेक्शन था वो 585 करोड़ रुपये के हुई थी। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। और आप अगर पद्मावती को देखना चाहते हैं नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे YouTube वीडियो की और एक नई रिव्यू में। तो दोस्तों इस वीडियो में हम जिस मूवी की रिव्यू करने वाले हैं उसका नाम है पद्मावत। जी हाँ, इस फिल्म में आपको बताएंगे कौन कौन से लीड रोल में एक्टर्स दिखेंगे, कौन कौन से हीरोइन जिसमें काम की है, इसकी कहानी क्या है, पद्मावत फिल्म को कब YouTube पर रिलीज़ किया जाएगा इसके बारे में आपको अपडेट भी देंगे, और YouTube पर आप पद्मावती को हिंदी भाषा में किस तारीख से देख सकते हैं ये भी आपको बताएंगे। तो दोस्तों इस वीडियो को पूरा देखिएगा। इसके कास्ट के बारे में, प्रोडक्शन के बारे में, और इसमें कितनी कमाई हुई थी इसके बारे में, इसकी लागत कितनी हुई थी बनाने में फिल्म को, इसके बारे में हम इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। तो अगर आप भी पद्मावत फिल्म को देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपको सारी अपडेट मिल सके। तो दोस्तों पद्मावत एक भारतीय ऐतिहासिक फिल्म है जिसका निर्देशन जो है वो संजय लीला भंसाली ने किया है, और इसका निर्माण जो है वो भंसाली प्रोडक्शन और वॉयकॉम 18 मोशन पिक्चर्स ने किया है। फिल्म में आपको मुख्य भूमिका में लीड रोल में आपको दीपिका पादुकोण, शाहिद कपूर और रणवीर सिंह दिखेंगे।
पहले यह फिल्म 1 दिसंबर 2017 को सिनेमाघरों में प्रदर्शित होने वाली थी, परंतु फिर कुछ लोगों के विरोध और सुप्रीम कोर्ट में चली कानूनी कार्रवाइयों के बाद यह फिल्म 24 जनवरी 2018 को रिलीज हुई। इसमें आपको बता दें कि इसका निर्देशक जो है वो संजय लीला भंसाली हैं, इसके निर्माता जो हैं वो वॉयकॉम 18 मोशन पिक्चर्स हैं और भंसाली प्रोडक्शन के द्वारा इसे निर्मित किया गया है। इसी के साथ इसके लेखक जो हैं वो आपको दिखेंगे राइटर संजय लीला भंसाली, प्रकाश कपाड़िया, पटकथा जो लिखी गई है वो संजय लीला भंसाली के द्वारा, और इसमें लीड रोल में आपको अभिनेता दिखेंगे दीपिका पादुकोण, शाहिद कपूर और रणवीर कपूर। और इसी के साथ मैं आपको बता दूं कि इसमें आपको कई सारी अच्छी चीज़ों को देखने को मिलेगा। इस फिल्म को आपको 25 जनवरी 2018 को सभी सिनेमाघरों में रिलीज कर दी गई थी, और इसकी जो है वो दो भाषाओं में इसे रिलीज़ की गई थी, पहले हिंदी और दूसरी राजस्थानी। इस फिल्म की टोटल लागत जो थी वह 215 करोड़ रुपए का था। इस फिल्म को बनाने में 215 करोड़ रुपए खर्च किए गए थे अकॉर्डिंग टू विकीपीडिया, और वही कुल कारोबार इस फिल्म का ऑल ओवर वर्ल्ड वर्ल्ड वाइड जो कलेक्शन था वो 585 करोड़ रुपए के हुई थी। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। और आप अगर पद्मावती को देखना चाहते हैं नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे YouTube वीडियो की और एक नई रिव्यू में। तो दोस्तों इस वीडियो में हम जिस मूवी की रिव्यू करने वाले हैं उसका नाम है पद्मावत। जी हाँ, इस फिल्म में आपको बताएंगे कौन कौन से लीड रोल में एक्टर्स दिखेंगे, कौन कौन से हीरोइन जिसमें काम की है, इसकी कहानी क्या है, पद्मावत फिल्म को कब YouTube पर रिलीज़ किया जाएगा इसके बारे में आपको अपडेट भी देंगे, और YouTube पर आप पद्मावती को हिंदी भाषा में किस तारीख से देख सकते हैं ये भी आपको बताएंगे। तो दोस्तों इस वीडियो को पूरा देखिएगा। इसके कास्ट के बारे में, प्रोडक्शन के बारे में, और इसमें कितनी कमाई हुई थी इसके बारे में, इसकी लागत कितनी हुई थी बनाने में फिल्म को, इसके बारे में हम इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। तो अगर आप भी पद्मावत फिल्म को देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपको सारी अपडेट मिल सके। तो दोस्तों पद्मावत एक भारतीय ऐतिहासिक फिल्म है जिसका निर्देशन जो है वो संजय लीला भंसाली ने किया है, और इसका निर्माण जो है वो भंसाली प्रोडक्शन और वॉयकॉम 18 मोशन पिक्चर्स ने किया है। फिल्म में आपको मुख्य भूमिका में लीड रोल में आपको दीपिका पादुकोण, शाहिद कपूर और रणवीर सिंह दिखेंगे। पहले यह फिल्म 1 दिसंबर 2017 को सिनेमाघरों में प्रदर्शित होने वाली थी, परंतु फिर कुछ लोगों के विरोध और सुप्रीम कोर्ट में चली कानूनी कार्रवाइयों के बाद यह फिल्म 24 जनवरी 2018 को रिलीज हुई। इसमें आपको बता दें कि इसका निर्देशक जो है वो संजय लीला भंसाली हैं, इसके निर्माता जो हैं वो वॉयकॉम 18 मोशन पिक्चर्स हैं और भंसाली प्रोडक्शन के द्वारा इसे निर्मित किया गया है। इसी के साथ इसके लेखक जो हैं वो आपको दिखेंगे राइटर संजय लीला भंसाली, प्रकाश कपाड़िया, पटकथा जो लिखी गई है वो संजय लीला भंसाली के द्वारा, और इसमें लीड रोल में आपको अभिनेता दिखेंगे दीपिका पादुकोण, शाहिद कपूर और रणवीर कपूर। और इसी के साथ मैं आपको बता दूं कि इसमें आपको कई सारी अच्छी चीज़ों को देखने को मिलेगा। इस फिल्म को आपको 25 जनवरी 2018 को सभी सिनेमाघरों में रिलीज कर दी गई थी, और इसकी जो है वो दो भाषाओं में इसे रिलीज़ की गई थी, पहले हिंदी और दूसरी राजस्थानी। इस फिल्म की टोटल लागत जो थी वह 215 करोड़ रुपये का था। इस फिल्म को बनाने में 215 करोड़ रुपये खर्च किए गए थे अकॉर्डिंग टू विकीपीडिया, और वही कुल कारोबार इस फिल्म का ऑल ओवर वर्ल्ड वर्ल्ड वाइड जो कलेक्शन था वो 585 करोड़ रुपये के हुई थी। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। और आप अगर पद्मावती को देखना चाहते हैं नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे YouTube वीडियो की और एक नई रिव्यू में। तो दोस्तों इस वीडियो में हम जिस मूवी की रिव्यू करने वाले हैं उसका नाम है पद्मावत। जी हाँ, इस फिल्म में आपको बताएंगे कौन कौन से लीड रोल में एक्टर्स दिखेंगे, कौन कौन से हीरोइन जिसमें काम की है, इसकी कहानी क्या है, पद्मावत फिल्म को कब YouTube पर रिलीज़ किया जाएगा इसके बारे में आपको अपडेट भी देंगे, और YouTube पर आप पद्मावती को हिंदी भाषा में किस तारीख से देख सकते हैं ये भी आपको बताएंगे। तो दोस्तों इस वीडियो को पूरा देखिएगा। इसके
कास्ट के बारे में, प्रोडक्शन के बारे में, और इसमें कितनी कमाई हुई थी इसके बारे में, इसकी लागत कितनी हुई थी बनाने में फिल्म को, इसके बारे में हम इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। तो अगर आप भी पद्मावत फिल्म को देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपको सारी अपडेट मिल सके। तो दोस्तों, पद्मावत एक भारतीय ऐतिहासिक फिल्म है जिसका निर्देशन जो है वो संजय लीला भंसाली ने किया है, और इसका निर्माण जो है वो भंसाली प्रोडक्शन और वॉयकॉम 18 मोशन पिक्चर्स ने किया है। फिल्म में आपको मुख्य भूमिका में लीड रोल में आपको दीपिका पादुकोण, शाहिद कपूर और रणवीर सिंह दिखेंगे। पहले यह फिल्म 1 दिसंबर 2017 को सिनेमाघरों में प्रदर्शित होने वाली थी, परंतु फिर कुछ लोगों के विरोध और सुप्रीम कोर्ट में चली कानूनी कार्रवाइयों के बाद यह फिल्म 24 जनवरी 2018 को रिलीज हुई। इसमें आपको बता दें कि इसका निर्देशक जो है वो संजय लीला भंसाली हैं, इसके निर्माता जो हैं वो वॉयकॉम 18 मोशन पिक्चर्स हैं, और भंसाली प्रोडक्शन के द्वारा इसे निर्मित किया गया है। इसी के साथ इसका लेखक जो हैं वो आपको दिखेंगे राइटर संजय लीला भंसाली, प्रकाश कपाड़िया। पटकथा जो लिखी गई है वो संजय लीला भंसाली के द्वारा, और इसमें लीड रोल में आपको अभिनेता दिखेंगे दीपिका पादुकोण, शाहिद कपूर और रणवीर कपूर। और इसी के साथ मैं आपको बता दूं कि इसमें आपको कई सारी अच्छी चीज़ों को देखने को मिलेगा। इस फिल्म को आपको 25 जनवरी 2018 को सभी सिनेमाघरों में रिलीज कर दी गई थी, और इसकी जो है वो दो भाषाओं में इसे रिलीज़ की गई थी, पहले हिंदी और दूसरी राजस्थानी। इस फिल्म की टोटल लागत थी वह 215 करोड़ रुपए का था। इस फिल्म को बनाने में 215 करोड़ रुपए खर्च किए गए थे अकॉर्डिंग टू विकिपीडिया, और वही कुल कारोबार इस फिल्म का ऑल ओवर वर्ल्ड वाइड जो कलेक्शन था वो 585 करोड़ रुपये के हुई थी। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। और आप अगर पद्मावती को देखना चाहते हैं नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे YouTube वीडियो की और एक नई रिव्यू में। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम जिस मूवी की रिव्यू करने वाले हैं उसका नाम है पद्मावत। जी हाँ, इस फिल्म में आपको बताएंगे कौन कौन से लीड रोल में एक्टर्स दिखेंगे, कौन कौन से हीरोइन जिसमें काम की है, इसकी कहानी क्या है, पद्मावत फिल्म को कब YouTube पर रिलीज़ किया जाएगा इसके बारे में आपको अपडेट भी देंगे, और YouTube पर आप पद्मावती को हिंदी भाषा में किस तारीख से देख सकते हैं ये भी आपको बताएंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो को पूरा देखिएगा। इसके कास्ट के बारे में, प्रोडक्शन के बारे में, और इसमें कितनी कमाई हुई थी इसके बारे में, इसकी लागत कितनी हुई थी बनाने में फिल्म को, इसके बारे में हम इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। तो अगर आप भी पद्मावत फिल्म को देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपको सारी अपडेट मिल सके। तो दोस्तों, पद्मावत एक भारतीय ऐतिहासिक फिल्म है जिसका निर्देशन जो है वो संजय लीला भंसाली ने किया है, और इसका निर्माण जो है वो भंसाली प्रोडक्शन और वॉयकॉम 18 मोशन पिक्चर्स ने किया है। फिल्म में आपको मुख्य भूमिका में लीड रोल में आपको दीपिका पादुकोण, शाहिद कपूर और रणवीर सिंह दिखेंगे। पहले यह फिल्म 1 दिसंबर 2017 को सिनेमाघरों में प्रदर्शित होने वाली थी, परंतु फिर कुछ लोगों के विरोध और सुप्रीम कोर्ट में चली कानूनी कार्रवाइयों के बाद यह फिल्म 24 जनवरी 2018 को रिलीज हुई। इसमें आपको बता दें कि इसका निर्देशक जो है वो संजय लीला भंसाली हैं, इसके निर्माता जो हैं वो वॉयकॉम 18 मोशन पिक्चर्स हैं, और भंसाली प्रोडक्शन के द्वारा इसे निर्मित किया गया है। इसी के साथ इसका लेखक जो हैं वो आपको दिखेंगे राइटर संजय लीला भंसाली, प्रकाश कपाड़िया। पटकथा जो लिखी गई है वो संजय लीला भंसाली के द्वारा, और इसमें लीड रोल में आपको अभिनेता दिखेंगे दीपिका पादुकोण, शाहिद कपूर और रणवीर कपूर। और इसी के साथ मैं आपको बता दूं कि इसमें आपको कई सारी अच्छी चीज़ों को देखने को मिलेगा। इस फिल्म को आपको 25 जनवरी 2018 को सभी सिनेमाघरों में रिलीज कर दी गई थी, और इसकी जो है वो दो भाषाओं में इसे रिलीज़ की गई थी, पहले हिंदी और दूसरी राजस्थानी। इस फिल्म की टोटल लागत थी वह 215 करोड़ रुपए का था। इस फिल्म को बनाने में 215 करोड़ रुपए खर्च किए गए थे अकॉर्डिंग टू विकिपीडिया, और वही कुल कारोबार इस फिल्म का ऑल ओवर वर्ल्ड वाइड जो कलेक्शन था वो 585 करोड़ रुपए के हुई थी। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। और आप अगर पद्मावती को देखना चाहते हैं नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे YouTube वीडियो की और एक नई रिव्यू में। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम जिस मूवी की रिव्यू करने वाले हैं उसका नाम है पद्मावत।
जी हाँ, इस फिल्म में आपको बताएंगे कौन कौन से लीड रोल में एक्टर्स दिखेंगे, कौन कौन से हीरोइन जिसमें काम की है, इसकी कहानी क्या है, पद्मावत फिल्म को कब यूट्यूब पर रिलीज़ किया जाएगा इसके बारे में आपको अपडेट भी देंगे, और यूट्यूब पर आप पद्मावती को हिंदी भाषा में किस तारीख से देख सकते हैं ये भी आपको बताएंगे। तो दोस्तों इस वीडियो को पूरा देखिएगा, इसके कास्ट के बारे में, प्रोडक्शन के बारे में, और इसमें कितनी कमाई हुई थी इसके बारे में, इसकी लागत कितनी हुई थी बनाने में फिल्म को, इसके बारे में हम इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। तो अगर आप भी पद्मावत फिल्म को देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपको सारी अपडेट मिल सके। तो दोस्तों पद्मावत एक भारतीय ऐतिहासिक फिल्म है जिसका निर्देशन जो है वो संजय लीला भंसाली ने किया है, और इसका निर्माण जो है वो भंसाली प्रोडक्शन और वॉयकॉम 18 मोशन पिक्चर्स ने किया है। फिल्म में आपको मुख्य भूमिका में लीड रोल में आपको दीपिका पादुकोण, शाहिद कपूर और रणवीर सिंह दिखेंगे। पहले यह फिल्म 1 दिसंबर 2017 को सिनेमाघरों में प्रदर्शित होने वाली थी, परंतु फिर कुछ लोगों के विरोध और सुप्रीम कोर्ट में चली कानूनी कार्रवाइयों के बाद यह फिल्म 24 जनवरी 2018 को रिलीज हुई। इसमें आपको बता दें कि इसका निर्देशक जो है वो संजय लीला भंसाली हैं, इसके निर्माता जो हैं वो वॉयकॉम 18 मोशन पिक्चर्स हैं, और भंसाली प्रोडक्शन के द्वारा इसे निर्मित किया गया है। इसी के साथ इसका लेखक जो हैं वो आपको दिखेंगे राइटर संजय लीला भंसाली, प्रकाश कपाड़िया, पटकथा जो लिखी गई है वो संजय लीला भंसाली के द्वारा, और इसमें लीड रोल में आपको अभिनेता दिखेंगे दीपिका पादुकोण, शाहिद कपूर और रणवीर कपूर। और इसी के साथ मैं आपको बता दूं कि इसमें आपको कई सारी अच्छी चीज़ों को देखने को मिलेगा। इस फिल्म को आपको 25 जनवरी 2018 को सभी सिनेमाघरों में रिलीज कर दी गई थी, और इसकी जो है वो दो भाषाओं में इसे रिलीज़ की गई थी, पहले हिंदी और दूसरी राजस्थानी। इस फिल्म की टोटल लागत जो थी वह 215 करोड़ रुपए का था। इस फिल्म को बनाने में 215 करोड़ रुपए खर्च किए गए थे अकॉर्डिंग टू विकीपीडिया, और वही कुल कारोबार इस फिल्म का ऑल ओवर वर्ल्ड वर्ल्ड वाइड जो कलेक्शन था वो 585 करोड़ रुपये की हुई थी। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, और आप अगर पद्मावती को देखना चाहते हैं नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे YouTube वीडियो की और एक नई रिव्यू में। तो दोस्तों इस वीडियो में हम जिस मूवी की रिव्यू करने वाले हैं उसका नाम है पद्मावत। जी हाँ, इस फिल्म में आपको बताएंगे कौन कौन से लीड रोल में एक्टर्स दिखेंगे, कौन कौन से हीरोइन जिसमें काम की है, इसकी कहानी क्या है, पद्मावत फिल्म को कब यूट्यूब पर रिलीज़ किया जाएगा इसके बारे में आपको अपडेट भी देंगे, और यूट्यूब पर आप पद्मावती को हिंदी भाषा में किस तारीख से देख सकते हैं ये भी आपको बताएंगे। तो दोस्तों इस वीडियो को पूरा देखिएगा, इसके कास्ट के बारे में, प्रोडक्शन के बारे में, और इसमें कितनी कमाई हुई थी इसके बारे में, इसकी लागत कितनी हुई थी बनाने में फिल्म को, इसके बारे में हम इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। तो अगर आप भी पद्मावत फिल्म को देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपको सारी अपडेट मिल सके। तो दोस्तों पद्मावत एक भारतीय ऐतिहासिक फिल्म है जिसका निर्देशन जो है वो संजय लीला भंसाली ने किया है, और इसका निर्माण जो है वो भंसाली प्रोडक्शन और वॉयकॉम 18 मोशन पिक्चर्स ने किया है। फिल्म में आपको मुख्य भूमिका में लीड रोल में आपको दीपिका पादुकोण, शाहिद कपूर और रणवीर सिंह दिखेंगे। पहले यह फिल्म 1 दिसंबर 2017 को सिनेमाघरों में प्रदर्शित होने वाली थी, परंतु फिर कुछ लोगों के विरोध और सुप्रीम कोर्ट में चली कानूनी कार्रवाइयों के बाद यह फिल्म 24 जनवरी 2018 को रिलीज हुई। इसमें आपको बता दें कि इसका निर्देशक जो है वो संजय लीला भंसाली हैं, इसके निर्माता जो हैं वो वॉयकॉम 18 मोशन पिक्चर्स हैं, और भंसाली प्रोडक्शन के द्वारा इसे निर्मित किया गया है। इसी के साथ इसका लेखक जो हैं वो आपको दिखेंगे राइटर संजय लीला भंसाली, प्रकाश कपाड़िया, पटकथा जो लिखी गई है वो संजय लीला भंसाली के द्वारा, और इसमें लीड रोल में आपको अभिनेता दिखेंगे दीपिका पादुकोण, शाहिद कपूर और रणवीर कपूर। और इसी के साथ मैं आपको बता दूं कि इसमें आपको कई सारी अच्छी चीज़ों को देखने को मिलेगा। इस फिल्म को आपको 25 जनवरी 2018 को सभी सिनेमाघरों में रिलीज कर दी गई थी, और इसकी जो है वो दो भाषाओं में इसे रिलीज़ की गई थी, पहले हिंदी और दूसरी राजस्थानी। इस फिल्म की टोटल लागत जो थी वह 215 करोड़ रुपए का था। इस फिल्म को बनाने में 215 करोड़ रुपए खर्च किए गए थे अकॉर्डिंग टू विकीपीडिया, और वही कुल कारोबार इस फिल्म का ऑल ओवर वर्ल्ड वर्ल्ड वाइड जो कलेक्शन था वो 585 करोड़ रुपये की हुई थी। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा,
और आप अगर पद्मावती को देखना चाहते हैं